नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वणक्कम। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस गीतकार लिरिसिस्ट मिस्टर संदीप नाथ जी। आप पूछेंगे कि कौन संदीप नाथ जी? वही जिन्होंने लिखा, रचा और इतिहास किया अपने गीतों के द्वारा। कौन से गीत? आशिकी, सावरिया और फैशन के। इनफैक्ट 70 से ज्यादा उनके फेमस हिट, सुपरहिट बॉलीवुड गीत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम सृजनी के मंच पर संदीप जी का। गुड मॉर्निंग, वेलकम संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, आप सुन पा रहे हैं संदीप जी? आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू हो रही है। तब तक, जब तक संदीप जी जुड़ते हैं, आइए हम उनका एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो देखें। तुम्हें मकान अब खाली करना होगा। तेरी शान बड़ी रंगरेजा, तेरी आन बड़ी रंगरेजा, तेरी शान बड़ी रंगरेजा। तू मालिक है रंगरेजा, तू सेवक है रंगरेजा, तू आवाज है रंगरेजा, तू खामोशी रंगरेजा, तू मेरा है रंगरेजा, तू सबका है। शुक्रिया करूं तेरे ढंग की मैं इल्तजा करूं, तेरे नाम का सदका किया करूं, तेरे काम का खुतबा पढ़ा करूं। रंगरेज 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 रंगरेज, तूने रंग डाला है सूरज, तूने रंग डाला है चंदा, तूने रंग डाली है गंगा, तूने रंग डाली है जमुना, तूने रंग डाली है जवानी, तूने रंग डाली है कहानी। तेरा रंग सबका आगाज है, तेरा रंग सबका अंजाम है। मैं तेरे साथ नहाऊं रंग में, मैं साथ साथ रंग जाऊं।
स्वागत करते हैं आप सबका सृजनी के मंच पर। और जो आप देख रहे थे ये है महान कृति, दिस इज अ फन रंगरेज वीडियो बाय आवर वेरी ओन मिस्टर संदीप नाथ फ्रॉम बॉलीवुड, जिनका अभी हम स्वागत करने वाले हैं। वेलकम संदीप जी, हम आई कुड नॉट रेजिस्ट एंड आई हैड टू शो दिस वीडियो, जो आपकी नवीनतम क्रिएशन है, कृति है। तो बहुत बहुत स्वागत है सृजनी के मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद अर्चना जी, और आज आपने हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आभार। और बस आपके माध्यम से मैं आज अपने बहुत सारे दोस्तों से जुड़ूंगा, तो ये मेरे लिए एक नया अनुभव है। बोले अनुभव भी नया है और दोस्त भी नए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कई देशों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एंड दे फील सो प्राउड। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू दैट संदीप नाथ जी इज अ सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और तो और वो है बॉलीवुड में, जो कि हमेशा हमारे लिए ग्लैमर होता है कि बॉलीवुड में कोई पहुंचा और उसने अपना अलग सा मकाम बनाया है। सो दैट इटसेल्फ इज अ लॉरल इन इटसेल्फ। और खासकर उनके सूफी सॉन्ग होती है संदीप जी की, मैंने काफी बार जब भी सुना उस गीत को, जलवा, फैशन का जलवा, वो इट्स अ ग्लैमर सॉन्ग, लेकिन उसमें एक फिलॉसफी, एक गहराई है, तत्व का, उसकी शब्दों को सुनेंगे। और यही खासियत है संदीप जी की हर रचना में, चाहे वो बार के लिए हो, मंदिर के लिए हो, जहां के लिए लिखते हैं, उसमें एक मौलिकता होती है, एक ओरिजिनैलिटी होती है, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, प्योर लव एंड पॉजिटिविटी। तो स्वागत करते हैं ऐसे मौलिक रचनाकार को। तो संदीप जी, आप बताएं कि आप बॉलीवुड कैसे पहुंचे और आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? हम बहुत सुनते हैं कि इट्स अ रियल स्ट्रगल टू मेक अ नेम इन बॉलीवुड, तो आपकी क्या कहानी, हम सुनना चाहेंगे। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊंगा शॉर्ट में आपके माध्यम से, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच है और जैसा आपने बताया पूरी दुनिया से दोस्त सुन रहे हैं। ये बात सही है, जीवन में कुछ भी अगर आप ऐसा करना चाहें जो मंच बहुत बड़ा होता है, तो वहां पहुंचने में एक अलग तरह की स्ट्रगल हो ही जाती है, नो डाउट। कुछ भी, इवन आप लोग जैसे आज अमेरिका में बैठे हैं, तो यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं, इसके लिए आप लोगों ने बहुत जद्दोजहद की होगी, बहुत संघर्ष किया होगा, लेकिन जीवन का दूसरा नाम तो संघर्ष ही है। जीवन का अगर सही में पर्यायवाची ढूंढेंगे तो संघर्ष है। मैं तो अपने कई बार मेरे ऐसे दोस्तों से जब बात होती तो मैं कहता हूँ चेष्टा ही ईश्वर है, और चेष्टा की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो उसको संघर्ष कहते हैं, मुझे लगता है। और हाँ, तो और कितनी सारी चीजें हमको मिली है भगवान की तरफ से वरदान में, जो खुद अपने आप में संघर्ष की इतनी बड़ी जो है उदाहरण है। जैसे ये सांस, एक बार माँ के पेट में जब सांस चलनी शुरू होती तो फिर मरने तक चलती रहती, वो अन मतलब बिना रुके अविराम अपना कार्य करती रहती है। यहाँ पे जब चाहे खोलेंगे तो दिखाई देगा, इससे जैसे ही जबान खोलेंगे इससे आवाज आने लग जाएगी, कान अपना काम कर रहे हैं। तो कितनी चीजें ये हमें हर वक्त प्रेरित करती रहती, जो हमारे साथ है, ये हर वक्त लगे रहो, चरेवती चरेवती। तो इसलिए, और जिसको हम लोग संघर्ष कहते हैं, मैंने तो उसका बड़ा आनंद लिया है, और संघर्ष तो आज भी है जीवन में, हर स्तर पे अपना संघर्ष होता है। पहाड़ के जब नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर चढ़ने का संघर्ष होता है, चोटी पे जब पहुंचते हैं तो वहां टिके रहने का और नीचे उतरने का संघर्ष होता है, या वापस कैसे जाएंगे। तो संघर्ष को तो मैं संघर्षों का तो उत्सव मनाया को ही जीवन कहूंगा, कि मैंने एक बार कहा था कि मैं यहाँ क्या कमाने आया हूँ, मैं तो संघर्षों का उत्सव मनाने आया हूँ। तो सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रगल जो है ये मेरी कोर लाइन है, मैं मतलब मेरे जो जीवन का एक अगर मोटो लाइन आप कहेंगे तो सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रगल है, आई एंजॉय स्ट्रगल। बहुत अच्छी बात है और बहुत इंस्पिरेशनल भी है कि जितना हम कोई पत्थर अगर रास्ते में आए तो पत्थर से डरे नहीं, उस पर कदम रखकर आगे बढ़े ताकि आप और ऊंचा बढ़ पाए, ये हम सीखते हैं संदीप। पत्थर आपको आमंत्रित करता कि आओ छलांग लगाओ या ठोकर मार के मुझे हटा दो, दो आमंत्रण तो तय है कि या तो मुझे ठोकर मार के हटा दो या मुझे छलांग के निकल जाओ। तो पत्थर तो आपको दो आमंत्रण दे रहा है, वो तो दावत दे रहा है आपको, आप उस दावत को कैसे ले रहे हैं कि मुझे इससे ठोकर खा के गिर जाना है या इसको ठोकर मार के हटा देना है, ये तो आप आपकी आपकी चॉइस है। और जो आपका सवाल सवाल का दूसरा अंश था कि मैं कैसे पहुंचा, अगर आप कहें तो मैं संक्षिप्त में इस जर्नी को बता दूं। निश्चय, स्वागत है आपका। तो क्या है, मेरा बैकग्राउंड बड़ा विचित्र सा है कि मेरे जो पुरखे हैं वो पूर्व बंगाल से हैं, यानी जिसको आप बांग्लादेश कहते हैं, जो पहले भारत का हिस्सा था, फिर 1947 में बंटवारा हुआ और वो पूर्व पाकिस्तान बना और 1971 में बांग्लादेश बना। तो हम लोग का घर बिल्कुल मेरे पिताजी की तरफ से बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, खुलना डिस्ट्रिक्ट है, जो 3 दिन तक भारत में रहा, उसके बाद पता नहीं इस बंटवारे में बहुत प्रकार के गड्ढे मट हुए हैं, फिर बाद में पता चला कि वो पूर्व पाकिस्तान में चला गया, जो भी है। तो हमारे मेरे आज भी दो सगे कजन बांग्लादेश के नागरिक है, क्योंकि वहां पर एक वहां के कानून इस तरीके से कहते हैं कि जो लोग हिंदू हैं और जो भी है, मतलब मैं इसको किसी धर्म के में नहीं कर रहा हूं, अब एक देश का कानून ऐसा बन गया देश भर के, तो वहां हमारी बहुत जमीन है जो हम बेच नहीं सकते, कुछ उसमें टेक्निकल लेकुना है, तो वो लोग वहां रहते हैं और हमारी बाकी पूरी फैमिली
हिंदुस्तान में रहती है अलग अलग, और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे क्योंकि घर के छोटे बेटे थे, इसलिए वो बहुत पहले हिंदुस्तान में आ गए थे जस्ट पार्टीशन के यानी 47 के पार्टीशन के बाद ही, और बहुत जगहों से रहते हुए वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका रहना हुआ। और मेरी माता जो है वो पश्चिम बंगाल जो है जो भारत की तरफ आ गया उसमें एक नदिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के चैतन्य महाप्रभु है, तो वहां पर एक जगह है कृष्णनगर, राजा कृष्णदेव राय के नाम पर जो कृष्णनगर बसा हुआ है, तो कृष्णदेव कृष्णनगर की मेरी मतलब मेरे नाना लोग थे, तो मेरे अंदर पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों का एक हुआ है, और मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में मेरे पिताजी चूंकि केंद्रीय सरकार की राजस्व विभाग में नौकरी करते थे तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो उत्तर प्रदेश की करीब 7-8 शहरों में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मेरे विकिपीडिया में भी थोड़ा उसका जिक्र है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख शहर हैं इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और बनारस, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4-5 प्रमुख शहर हैं मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर। और उसके बाद फिर मैं इन सब शहरों में मेरी लिखाई पढ़ाई हुई, इसकी वजह से हिंदी उर्दू जो है उसके ऊपर मेरी एक समझ आई, और बांग्ला मेरी मातृभाषा थी, वो हम घर में सुनते ही थे उनको, और गर्मियों की छुट्टी में हम लोग कभी या किसी रिश्तेदार की शादी में हम बंगाल आते थे, कलकत्ता आते थे, तो उस समय उस माहौल में जाते थे फिर वापस, लेकिन लिखाई पढ़ाई का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी ही रहा। और उसके बाद जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई मैंने एकेडमिकली लॉ पास किया है, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में भी 3 साल रहा जहां मैंने बहुत कुछ सीखा, भाषा का संस्कार जो सीखा उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि भाषा का संस्कार जब आप क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, क्योंकि उसके पहले मैं संस्कार सीख रहा था, मैं कर लिख रहा था, स्टूडेंट लाइफ से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल्ली में आके उसको एक प्रकार से पॉलिश हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया जो लोग उस वक्त बड़ा लिखते थे, मुझे ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर मुझे लगा जब इस पूरी जर्नी के दौरान कि जब मैं लिखता था अखबारों में, जब यूपी में था, छपता था, तो छोटे छोटे मुशायरों में जाता था, कवि सम्मेलनों में जाता था, तो वहाँ लोग तालियां मिलती थी और कई बार बड़ा आनंद रहा कि हमारे प्रोफेसर लोग ही वहां पर मतलब मौजूद हैं और उन्होंने अपने जेब से निकाल के 21 रुपए 51 रुपए सब मेरे को दिए पब्लिक के बीच में, और बड़ी पीठ पीठ ठोकी, तो बड़ा आनंद रहा। शहर में कभी निकल जाओ, अरे यार तो मेरा ही शेर मुझे कोई कुछ सुना देता था, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता था। मैंने कहा अच्छा, फिर घर में भी थोड़ी इज्जत की नजर, अच्छा हम लोग बंगालियों में एक क्वालिटी क्या होती है कि हम लोग बच्चे की एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा फाइन आर्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं, ये परंपरा है। इसके लिए मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग चूंकि बंगाल में हुए तो एक परंपरा चली है कि घर में इवन लड़कियों को भी गाना बजाना और जो जो भी फाइन आर्ट्स करता है, कोई अगर चित्रकारी करता है तो ये सिर्फ एक एकेडमिक पढ़ाई पर पूरा जोर रहता है कि भाई आप जो भी पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन साथ साथ अगर ये आप करते हो तो इस पर टोका टाकी नहीं होती। अच्छा। अब अच्छी बात है कि अब बाकी कम्युनिटीज में भी ये चीजें बहुत अभी जो नई जनरेशन के मदर फादर हैं उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, चाहे वो खेलने कूदने की बातें हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स की बातें हो, किसी भी फील्ड में। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तब उस समय पे 70s के दौर में ये चीजें थोड़ा कम होती थी दूसरी कम्युनिटीज में, लेकिन बींग ए बंगाली अगर बंगालियों का बच्चा ड्राई हो, सिर्फ एकेडमिकली पढ़ाई करता है, उसके साथ कुछ नहीं करता, तो थोड़ा उसको अच्छा माना नहीं जाता, मतलब उसको कुछ तो आना चाहिए, चाहे कुछ नहीं तो तुम कविता बोल दो, अपनी अगर लिखी हुई नहीं तो किसी और की लिखी हुई कविता की, उसको आवृत्ति कहते हैं वहां पर बंगाल में, आवृत्ति करना मतलब आवृत्ति करना कविता पाठ को, तो बोले कोई कविता ही सुना दो, अच्छा कुछ नहीं आता, जनगणमन तो आता है वही सुना दो, तो इस तरीके से। अच्छा, और चूंकि जनगणमन भी जो है चूंकि गुरुदेव कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी, इसलिए अगर सबसे कुछ नहीं आता तो इतना तो आता होगा स्कूल में तुम्हारे क्या कहते हैं राष्ट्रगान होता होगा, तो इस तरीके से। तो हमारे घर वालों ने इस चीज के लिए हमें कभी रोका राका नहीं। अच्छा। तो हम अच्छा चूंकि मेरे पास कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी थी, क्योंकि मेरे आसपास हम लोग ऐसे ऐसे इलाकों में रहे जहां पर पूरी तरह से हिंदी और उर्दू, जिसमें बिजनौर का बहुत बड़ा एक रोल रहा। जब मैं बिजनौर पहुंचा तो बिजनौर की जो वो डेमोग्राफी है वहां पर हिंदू मुस्लिम काफी एक समान मात्रा में रहते हैं और हिंदी उर्दू का बड़ा प्रयोग होता है, खड़ी बोली का प्रभाव है वहां पर, तो वहां और वहां पर छोटी जगह थी तो कुछ भी अगर आपको ओकेजन करना हो तो क्या कर सकते हो, ले कमी सब एक छोटा सा कवि सम्मेलन कर दिया किसी घर में या एक उसको शायर मुशायरा कर दिया, और वो ईद के अवसर पे ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, इसमें सब लोकल, बजट तो होते नहीं थे, पैसे तो होते नहीं थे, बाद में चाय समोसे की दावत हो जाती थी, सब खत्म होता था सबको इस तरीके से, या कभी कभी किसी ने खाना स्पॉन्सर कर दिया तो ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है हम लोग परवान चढ़ रहे थे। लेकिन जब मुझे लगा, अब मैं सवाल के मेन जवाब पे आता हूँ, ये सारी भूमिका थी कि जब मैं लिखता हूँ अखबार में तो कुछ हजार लोग तक पहुंचता है, किसी तब यूट्यूब वगैरह तो कुछ था नहीं, तो मुझे लगा जो और मैं जो मैं फिल्मी जो गाने हैं स्पेशली जो पुराने गाने हैं जिसमें जो शैलेंद्र जी, साहिर साहब और
क्या कहते हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब और आपके शकील बदायूनी साहब, कवि प्रदीप जी के गाने, ये सब जब मैं सुनता था ना तो मैं अंदर से उस पर बहुत फिलोसफी होती थी। जब पुरानी फिल्में में बिमल रॉय साहब की फिल्में को के गाने तब हम लोग देखते थे दूरदर्शन पे, उसके बाद राज कपूर साहब के गाने, पुरानी फिल्मों के जितने भी बड़े बड़े नायाब हमारे मेकर हुए हैं, और उन गानों के अंदर और उस वक्त फिल्मों का जो माहौल होता था, चाहे वो गंगा जमुना हो, चाहे वो मदर इंडिया हो, जितनी भी पुरानी फिल्में हम लोगों ने सब ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखी, मुगले आजम हो और भी बहुत सारी फिल्में हैं, उस बंदनी हो, ये सब फिल्में जब देखते तो इसके गाने हम लोग को मुझे बड़े अच्छे, इवन जब बाद में रोमांटिक दौर भी चला, मतलब राजेश खन्ना वगैरह की फिल्में हमने गोद में बैठ के देखी, मतलब हमारा टिकट नहीं लगता था, हम मतलब मौसी लोग और ये सब लोग जब ननिहाल जाते थे कानपुर तो उनके साथ चले जाते थे कि हाँ, तो हमें गोद में बैठा के, और मुझे लालच होता था कि मुझे खाने पीने के लिए आइसक्रीम मिलेगी, ये मिलेगी, और उनको रहता था कि साथ में एक लड़का ले जा रहे, वो लड़का भले हाफ पैंट पहने उसका टिकट भी नहीं लगता। ये सब उस वक्त बड़ा बड़े मजे, और रिक्शा में बैठ के जाते थे, रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, आदमी खिच्चो चलाता रिक्शा, वैसे रिक्शा में, तो उस रिक्शे में गोद में बैठ के हम जाते थे पिक्चर देखने, तो हमको तो लालच होता था कि भाई, लेकिन कान तो सुन रहा है, समझ में आए ना। अच्छा, गाने ऐसी चीज है ना कि गाने आप देखेंगे, आप देखते होंगे आजकल रियलिटी शोज में कि छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा गाने, उनसे गानों का मतलब पूछो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो लता जी के, आशा जी के पुराने गाने, रफी साहब के, किशोर दा के गाने, मन्ना डे साहब के गाने इतना बढ़िया गाते हैं, वो छह छह साल, सात सात आठ आठ साल के बच्चे कमाल गा देते हैं। तो गाना एक ऐसी, संगीत ऐसी चीज है जो आदमी के साथ जुड़ी हुई है, उसके अंदर है, मतलब बच्चा, छोटा सा बच्चा करता है सबसे पहले जब बोलना सीखता है, तो देखेंगे आप कोई भी चीज गाना बच्चा तो मटकने लगता है। मुझे याद है अपने घर में भतीजों को मैंने बड़े होते हुए देखा, तो मेरे पास तब उस समय पे वो होता था वॉकमैन जिसे कान में लगाते थे, तो मैं उनको जब वो रोते थे तो उनके कान में लगा के गाना चला देता था, चुप हो जाते, मेरी भाभी लोग कहते थे ये तो अच्छा तुमने सोल्यूशन ढूंढा है, इसको छुपाओ एक घंटे तक, इसको नहीं चुप होता, लेकिन जैसे ही मैं गाना लगा देता था, और हर बच्चे का एक दो फेवरेट गाना होता था, वो गाना लगाते ही वो मतलब खुश हो जाता था। तो ये देखा मैंने ये सब चीजें, तो संगीत किस तरीके से इफेक्ट करता है सबको। तो फिर मुझे लगा कि ये जो मैं करता हूं, अगर इसको किसी बड़े मंच पे ले जाया जाए, अगर ले जाया जा सके, तो यार ये आवाज तो दूर तक जाएगी। अच्छा, मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत शाबाशियां मिलने लगी, तो मुझे लगा कि जो मैं लिखता हूं या जो मैं करता हूं, मतलब क्रिएटिव लेवल पे, इसमें कुछ बात है, मतलब ठीक है ये मामला। फिर उसको और बल मिला जब मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में मेरी दो किताबें छपी, 1997 में छपी मुझको कुछ भी नाम दो, मेरा पहला कविता संग्रह, जिसमें मेरे 12 साल से, मैंने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, से लेकर लगभग 17-18 साल तक के बीच में लिखी जो कविताएं थी उसमें से 80 कविताओं का वो संकलन है। और दूसरी किताब छपी अगले ही साल, एक साल के बाद, दर्पण अभिहंदा है, जो हिंदी गजलों की किताब है, जिसमें मेरे 18 से 21 साल के दौरान 3 साल में लिखी हुई जो गजलें थी उसमें से 64 गजलों का वो संग्रह है। उसके बाद मैंने लिखी बहुत गजलें, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, जीवन ने समय नहीं दिया कि मैं किताब छपवाने का समय निकाल सकूं, क्योंकि दिल्ली में ही ये फैसला हो गया कि मुझे लगता है मुझे अब मुंबई की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ लोग इस बात को जब मैंने बताया तो थोड़ा उसको उन्होंने लगाया अजीब सी बात कर रहे, मतलब तुम वैसे आदमी तो ठीक ठाक लगते हो, ये बेवकूफी जैसी बात अचानक क्यों कर दी, बंबई का क्या चक्कर। तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो ये मेरा कुछ हो जाएगा। बोले यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, यार अच्छा खासे यहाँ वकील हो, पत्रकार हो, यार बढ़िया रहो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। फिर जब मैं बंबई आया तो यहाँ पर एज यूजुअल थोड़ा स्ट्रगल होता ही है, लेकिन मेरी माता ने मुझे अगर कभी किसी चीज के लिए फोर्स किया था, वरना वो किसी चीज को नहीं कहती, वो कहती थी पढ़ लो पढ़ लो हर वक्त। तो बंगला में बाबा टू पोड़े ने है ना, बेटा जरा पढ़ ले, जरा बेटा पढ़ ले। तो हर वक्त वो सिर्फ, क्योंकि मैं चंचल बहुत था, मैं खेलता भी था, कूदता भी था, नाटक भी स्कूल में, ये भी बहुत सारी चीजें करता था, तो किताब लेके जो पढ़ना है वो उस तरीके से मैं कि रूटीन से एकदम पढ़ना, तो वो क्योंकि थक जाता था बहुत, दिन भर में मैं 20 किलोमीटर तो मैं साइकिल ही चलाता था, कॉलेज जाना आना, फिर शाम को क्रिकेट खेलने जाना, 5 किलोमीटर दूर कॉलेज था, तो थकता बहुत था। तो शाम होती 9 बजे मुझे नींद आनी 10 बजे शुरू हो जाती थी, जैसे जैसे मैं वो चित्रहार वगैरह इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए जगा रहता था, जैसे वो प्रोग्राम खत्म हुआ मैं जाकर सो जाता था। तो माँ कहती थी पढ़ ले, तो उनके इस एक जिद के लिए, माँ को बुरा लग जाएगा, माँ कभी डांटती नहीं थी, लेकिन अगर माँ उदास हो जाती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, अरे यार मैंने माँ को जो है दुखी कर दिया। तो माँ का मन रखने के लिए जो पढ़ता उतना मैं पढ़ने लगा, उस पढ़ाई से मेरा काम चल गया और मैं एक ठीक ठाक डिग्री मुझे मिल गई। तो जब मैं मुंबई आया तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ तो भाई खर्चा चलाना, संघर्ष करना बड़ा लंबा होगा। तो मैंने जैसे ही अपना बायोडाटा फ्लोट किया, मैं जहां भी गया मुझे तुरंत नौकरी का ऑफर आ गया, लेकिन मैंने एक ऐसी कंपनी में नौकरी की जो ऑडियो विजुअल का काम करती थी, क्रिएटिव काम में ही थी। तो मैंने शुरुआत मेरी अच्छी होगी और मैंने लगभग 30-40 कॉर्पोरेट फिल्म बना ली, फिल्मों में जाने से पहले एड जिंगल काफी काम की, जो मेरे को अनुभव का काम दे रहे थे, स्टूडियो में जाना ये वो, तो काफी चीजें मैं सीख रहा था।
और फिर इस तरीके से फिर मुझे मेरा परिचय हुआ मनीषा कोरियाला जी के भाई से, सिद्धार्थ कोरियाला से, उधर मेरा परिचय हुआ प्रवाल पांडे से, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर बने जिन्होंने डरना मना है, डरना जरूरी, कई सारी फिल्में बनाई है, तो वो राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट हुआ करते थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और इस तरीके से फिर मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ और फिर आज तक जारी है। बहुत मजा आया सुन के आपकी कहानी को संदीप जी, और हमारे श्रोतागण भी बहुत हैप्पी हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, रोचक कहानी, अच्छा सुंदर संस्मरण, कितने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, विकास जी, श्वेता सिन्हा जी, रंजना वर्मा जी, प्राची रंधावा जी कैनेडा से, और श्वेता जी हैं आयोवा से, और हमारे साथ हाँ जी विकास कुमार जी हैं, और हमारे साथ सरिता चतुर्वेदी जी हैं, श्रबोन रॉय जी हैं, आई थिंक वो आपकी फैमिली से आपको नमस्कार कह रहे हैं, उर्मी पांडा जी हैं, सारिका फलोर जी हैं जो केनिया से जुड़ी हैं, कनाडा से हमारे साथ हैं संदीप कुमार त्यागी जी, जो आपके बहुत बड़े फैन हैं और फ्रेंड भी हैं। नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, संदीप जो त्यागी है वो मेरा छोटा भाई है, और ये बिजनौर का ही है। अच्छा। हम लोग एक ही हाँ, जहाँ जिस बिजनौर का बहुत रोल है मेरे स्पेशली मेरे जो जीवन के जो टीन एज है पूरी मेरी बिजनौर में बीती है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, मैंने तीनों बिजनौर से पास पढ़ाई लिखाई की है काफी, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। और संदीप खुद बहुत अच्छा कवि है, तो उसके साथ मेरी बहुत मतलब कविता और फिलोसफी को लेकर बहुत सारी बातचीत हमारी अक्सर होती रहती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है, आपको मैं दिखाती हूँ, बिजनौर जिले का हर आदमी अपने आप में सुल्तान होता है, तो हमारे साथ आज एक नहीं दो दो सुल्तान हैं, तो बहुत खुशी है आप सबसे मिलके। आप सबको बता दें कि वैसे तो 70 से अधिक मूवी में हिट गाने लिखे हैं, कुछ उनमें से हैं मधुर भंडारकर जी की पेस्ट्री, कॉर्पोरेट, संजय लीला भंसाली जी की सांवरिया, और पान सिंह तोमर, ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, और भी बातें होंगी इसके बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम और बातें करें, मैं आपकी एक वीडियो बहुत पसंद करती हूँ संदीप जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इश्क निराला हमारे श्रोतागणों हमारे दर्शकगण के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो यू लव, हमने पहले देखा रंगरेज, अब देखते हैं ये ब्यूटिफुल सा ओरिजिनल मौलिक क्रिएशन जो है रचनाकार संदीप जी की, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, इतनी प्यारी सी इनकी सिनेमेटोग्राफी है, यू विल बी अमेज्ड। सो लेट्स सी इश्क निराला। इश्क निराला जहर का प्याला, पी के होवे मन मत वाला, मर कर भी ये अमर करे है, इसको पीवे हिम्मत वाला। हर सांस को तेरे नाम से ही अब दिल में है उतरना, हर सांस को तेरे नाम से ही अब दिल में है उतरना, हर लम्हे को तेरी याद बन के अब आगे है गुजरना, अब मेरी ओ सनम इसके बाद कुछ आरजू नहीं है, कट जाए जिंदगी तेरे साथ बस जुस्तजू यही है, जब इश्क सर पे चढ़ जाए, सर पे चढ़ जाए तो हर लम्हा गुलजार है, जब यार सामने हो तो वो, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो मत वाला, मर कर भी ये अमर करे है, इसको पीवे हिम्मत वाला। ये इश्क है ऐसा
ऐसा खुमार हर फिक्र को करे दर किनार, ये इश्क बनाए जानिसार, इस इश्क के है जलवे हजार, ये इश्क है ऐसा खुमार हर फिक्र को करे दर किनार, ये इश्क बनाए जानिसार, इस इश्क के है जलवे हजार, कुछ भी जाने ना इश्क ये कुछ भी माने ना, महबूब के सिवाय कुछ पहचाने ना, जब इश्क सर पे चढ़ जाए हो, जब इश्क सर पे चढ़ जाए तो हर लम्हा गुलजार है, जब यार सामने हो तो हो, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो। इश्क निराला जहर का प्याला पी के होवे मन मतवाला, मर कर भी ये अमर करे है, इसको पीवे हिम्मत वाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुन देख के तो आनंदित हो गया मन, इतनी अच्छी क्रिएशन और ओरिजिनल मौलिक आपकी, आपने लिखा गाया इसकी क्रिएशन, इसकी संरचना आपने की है, तो व्हाट वाज इन योर माइंड, द लव स्पीक्स सो ग्रेटली, मैंने खुल के आनंद के साथ जो इश्क प्रस्तुत किया जाए वो है इश्क निराला, तो आपने कैसे इसकी रचना की हमें जानना चाहेंगे। रचना क्या है, रचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब मेरी रचना में जनरली एक जो फोर्स कम होता है, फोर्स का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, तो स्वप्रेरणा से आ जाए, और ये चूंकि धुन भी अपनी है, लिखा भी हमने ही है, बाद में गाने का फैसला किया तो ये साथ में ही आ गया था। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि जो इश्क है बड़ी निराली चीज है, क्योंकि जब मैं उर्दू में पढ़ता हूँ तो लोग उन्स अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है, इश्क को अलग कैटेगरी में, जब मोहब्बत की इंतहा हो जाए तो इश्क कहते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली ऐसा कहते हैं। बाकी देखिए क्या है, इश्क को कोई मतलब मोहब्बत और इश्क में फर्क है ये कैसे गेज करेंगे आप बताइए, खुद आदमी करने वाले तक को तो पता नहीं होता कि मैं किस स्टेज में चल रहा हूँ। दीवानगी है, दीवानगी है इतना ठीक है, लेकिन दीवानगी कितनी है ये कैसे कोई गेज करेगा, ऐसा कोई 2 किलो की दीवानगी है या 4 किलो दीवानगी है, ऐसा तय नहीं कर सकते आप। तो जो मन के भाव है, मानवीय आचार व्यवहार बहुत सारी चीजों से गवर्न होता रहता है, हर पल पल उसकी फ्रिक्वेंसी बदलती रहती है, तो ठीक है आदमी एक्सप्रेस करने के लिए, अब जैसे ये लिखा गया एक जैसा एक बार लिख दिया तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन तो वो जब कर रहे होते हैं तो खुद को बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, और चेतन दिमाग से ज्यादा काम होता है मेरा, तो स्वप्रेरणा से कुछ आया फट से लिखिए, उसमें विवेचना भी मैं उतना नहीं करता हूँ, ये क्या है, बाद में जब एक बार चीज बन जाती है फिर औरों से पूछता हूँ कि तुमको कैसा लग रहा, तुम तो अगर किसी ने उसके साथ रिलेट कर लिया तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, और बाकी दुनिया में कुछ भी आप बनाएं, कोई भी पीस ऑफ आर्ट बनाए, सबको वो अच्छा भी नहीं लगेगा और सबको वो शायद बुरा भी ना लगे, अगर कुछ लोगों को अगर अच्छा लगने लगे तो समझ लीजिए उनके लिए है, आप समझ रहे ना मैं कहना चाहता हूँ, अदरवाइज अगर आप ज्यादा सोचने लग जाएंगे तो फिर क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे दर्शक गणों के, इश्क निराला जो लोग जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, और अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतना मतलब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जुड़े हुए हमारे साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ये आपका जो सृजनी है उसका ये उसकी क्रेडिबिलिटी भी है, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका नाम है, आपका आपकी शोहरत है, आपका रुतबा है, जिसे लोग खींचे चले आ रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आए हैं जो हम एक एक करके पूछेंगे, आपके गीतों को हम सुनेंगे भी, लेकिन आपकी एक और बात हम बताएंगे अपने दर्शक गणों को कि आप गीतकार तो हैं ही, लेकिन इतना अच्छा आपकी आपकी रचनाएं स्वतः में बहुत कुछ कहती हैं, और आपकी एक आपकी एक पंक्ति मुझे बहुत बहुत प्रिय है, जोड़ जोड़ के हार गया हूँ, जोड़ जोड़ के हार गया हूँ, कितना खोया कितना पाया, जोड़ जोड़ के हार गया हूँ, कितना खोया कितना पाया, उसको हैरानी होती है उससे लंबा उसका साया, तो जो आप हैं व्यक्तित्व है अस्तित्व है आपका जो नाम है उससे अधिक आपकी पॉपुलैरिटी है, बॉलीवुड के एक नामी गीत का जो लिरिसिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि डिफरेंस क्या होता है बॉलीवुड में लिखना और साहित्य में लिखना, आपने दोनों दुनिया को बेहतरीन तरीके से देखा है, तो आपको क्या लगता है व्हाट मेक्स बॉलीवुड बॉलीवुड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर, साहित्य की दुनिया से बॉलीवुड अलग किस प्रकार है। देखिए बॉलीवुड जब मैं जब लिखते हैं साहित्य में, तो सबसे पहली बात है कि अपने रचना के आप खुद मालिक होते हैं, कोई आपको
इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, कोई आपके सामने कुछ एक ब्रीफ नहीं होता है कि आपको इस तरीके का लिखना है, लेकिन जब बॉलीवुड में आप काम करते हैं तो इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ टैलेंट्स कि एक स्पेशली जब फिल्म के लिए लिख रहे हैं तो आपको ये तय करना होता है कि फिल्म के अंदर एक कहानी होगी, उसके पात्र होंगे, उसके अंदर सिचुएशंस होंगी, उन सब से आपको मिलकर चलना है। हर फिल्म का एक साउंड होता है, तो जब एक साउंड के साथ जब वो कविता भी आएगी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक फिल्म में बोलता हूँ शोले, जब आप शोले का म्यूजिक सुनेंगे तो आपको समझ में आएंगे फिल्म के साथ बहुत अच्छा जेल हो रहा है। वहीं जब आप एक फिल्म देखेंगे देवदास, उसका एक अलग तरह का साउंड है, उसकी पोएट्री में भी फर्क आता है। तो फिल्मों के लिए लिखने के लिए आदमी अगर लिरिसिस्ट भी है, कोई भी उसका पार्ट प्ले कर रहा हो, तो उसको ही और शी शुड बी वेरी म्यूजिकल, उसको म्यूजिक की समझ होनी चाहिए, उसको कहानी की समझ होनी चाहिए, उसको ऑडियो विजुअल फॉर्मेट की भी समझ होनी चाहिए। तो बहुत सारे उसमें एक विजुअलाइजेशन का बहुत उसके अंदर एक सिर्फ विचार से बात नहीं बनेगी, समझ ले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक गाने से एग्जांपल देता हूँ। एक गाना आया मेरे जीवन में जिसका आपने जिक्र भी किया, उसका नाम था फैशन का ये जलवा। जब ये फिल्म मेरे सामने आई और ये गाना मेरे सामने, इस फिल्म में बाकी गाने बन चुके थे और चूंकि मधुर जी के साथ मेरा एक एसोसिएशन पहले से रह चुका था, पेज थ्री कॉर्पोरेट जेल सब फिल्में हो चुकी थी, बट इस फिल्म में जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो नए थे, सलीम सुलेमान, काफी पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, चक दे इंडिया वगैरह जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। उनके साथ मैं काम कर चुका था ऐसे पहले, उन लोग म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, लोग जो अरेंजमेंट करते थे पहले, तो कुछ गानों में उन्होंने किए थे अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए, प्रीतम के लिए मैंने किया था काम एक पिक्चर में, लेकिन एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ मेरा ये पहला एसोसिएशन होने जा रहा था। तो शायद ये फैशन के ऊपर जो एक थीम सॉन्ग चाहिए था मधुर भंडार का, वो गाना उनसे क्रैक नहीं हो रहा था, धुन उनके दिमाग में एक बन चुकी थी। तो मधुर जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ यार, मैं अगर तुम लोग कहो तो मैं संदीप को, क्योंकि डायरेक्टर चाहता म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ कंफर्टेबल रहे उसके साथ ही करे काम, तो मेरे साथ उनका उस तरीके से उतना साबका नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं कहो तो संदीप को बुलाता हूँ, तो मैं बुलाया, उन्होंने मुझे ट्यून दे दी और ट्यून देने के बाद ये कहा कि ये गाना करना और कल ही करना, क्योंकि उस गाने को हम सुखविंदर जी से गवाना चाहते हैं और सुखविंदर जी जो है वो कल रात को चले जाएंगे नॉर्थ अमेरिका के टूर पे, अमेरिका कनाडा का उनका टूर है और वो आएंगे एक डेढ़ महीने के बाद। मैंने कहा यार बड़ी मुसीबत हो गई। अच्छा खैर मैंने गाना सुना तो गाना मुझे मिला टा 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 टा, इस फॉर्मेट में गाना मुझे मिला। मैंने उनसे कहा और उस दिन मेरी मीटिंग लगी हुई थी रात को 12 बजे तक, अलग अलग मीटिंग्स थी और मतलब मैं रात को 12:30 बजे घर पहुंचने वाला था और अगले दिन दोपहर में इस गाने की रिकॉर्डिंग का टाइम फिक्स है, 2 बजे सुखविंदर जी आएंगे। तो मुझे पता था जब मेरी पहले से प्री कमिटमेंट है तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं घर पहुंचूंगा रात को 12:30 बजे। तो मैं उनसे एक सीडी में उसकी धुन ले ली। अब मैं घर पहुंचा और रात को तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं ज्यादा आवाज भी नहीं की। अच्छा तब सीडी में होता था वो किसी सीडी किसी कंप्यूटर में चल जाती थी, किसी में नहीं चलती थी, तो मैंने अपने कंप्यूटर और अपने जो मेरे पास सीडी प्लेयर था दोनों में चला के देखा तो वो दोनों में चल गई। तो मैंने वाइफ से कहा कि भैया मुझे 7 बजे जगा देना यार, ये कल गाना कंप्लीट करना। और सबसे बड़ी जो बात है, इस गाने की कोई नजीर नहीं है फैशन पे, कभी कोई गाना फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। आप रोमांस लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पुराने अच्छे गाने मिलेंगे, उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, एक आइडिया मिल सकता है, बहुत सारे सहारा होता है, कॉन्फिडेंस तो मिलता है कम से कम यार प्यार के इतने गाने में, उसमें से कुछ एक मुझे दिशा मिल जाएगी। और करवाने वाले के पास भी एक ब्रीफ होता है यार मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह का कुछ चाहिए फैशन पे उसने। अच्छा और उसमें एक अजीब बात और थी कि फैशन का वो जो सीक्वेंस था वो शूट हो चुका था, वो गाना आने के बाद शूट नहीं हुआ, पहले शूट हो चुका था। अच्छा। तो गाने शूट का एक टेम्पो होता है, कैमरा जिस एंगल जिस स्पीड से जा रहा है, वो रैंप वॉक है, ये सब है, बीच बीच में कुछ उनके सीन्स हैं, हीरो प्रियंका चोपड़ा इन सबके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, और जो अपने दूसरे एक्ट्रेस हैं क्या नाम कंगना रनौत, तो वो सबकी कुछ कुछ उनकी क्लिपिंग्स थी, क्योंकि ये गाना थीम सॉन्ग जैसा था, टाइटल और थीम सॉन्ग दोनों का काम करने वाला था, पिक्चर का नाम चूंकि फैशन था। तो एक गाने का टेम्पो यानी शूट का टेम्पो, विजुअल का एक टेम्पो बन चुका है, धुन का अपना एक टेम्पो है, ऑडियो का उसका एक स्पीड है टा 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 टा, और उसके अंदर मुझे पूरे गाने का, चूंकि मधुर जी ने मुझे फिल्म की पूरी कहानी भी मोटा मोटी बता रखी थी कि ऐसी कुछ बात है, तो मुझे था कि मैं क्या लिखूंगा, फैशन फैशन कपड़े कपड़े मतलब क्या स्टाइल स्टाइल क्या लिखूंगा, क्या शब्द लाऊंगा। सोचना शुरू किया, 7 बजे बीवी ने जगा दिया चाय बना के, आपको सच बता रहा हूँ 2.5 घंटे में गाना बन गया, 2.5 घंटे में कंप्लीट लिख दिया, दो ड्राफ्ट। हाँ, अब सोचना शुरू किया पहले आधे घंटे तक, एक वर्ड नहीं है, पसीने आने लगे, क्या होगा, एक मतलब चाय पी रहा हूँ, टहल रहा हूँ, मेरी बीवी देख रही, बेचैन सा हो रहा है, बार बार सुन रहा हूँ उस धुन को, इतनी बार सुन के मैंने शुरू में फटाफट 15-20 बार धुन को सुन के फटाक से दिमाग में, और चूंकि अब आपको चूंकि मैं कंपोजिशन कर रहा हूँ गाना गा रहा हूँ, तो आपको तब भी मैं करता था, तो आप समझ पा रहे, जैसे जावेद अख्तर और सलीम जावेद के डायलॉग इतने अच्छे क्यों होते थे, क्योंकि उनके उनके अंदर एक लिरिसिस्ट भी शायर भी छुपा हुआ था, तो तब वो लोग अरे ओ सांभा कितना है, तो मतलब
वो इसीलिए उनके मेरे पास माँ है भाई, तो इनके जुमले लिखोगे बड़े लिरिकल डायलॉग होते थे, क्योंकि वो बाद में जाकर गाना नहीं लिखते तो समझ में नहीं आता कि उनके डायलॉग क्यों अच्छे लग रहे थे। तो इसी इस वजह से मुझे चूंकि एक म्यूजिक का आइडिया था तो मैं समझ पा रहा था, गाने को जल्दी से पकड़ लिया, मेरा विचार सिचुएशन एक बात, और बाद में जो आपने कहा फिलोसफी लानी है। अब फैशन के साथ फिलोसफी को जोड़ना थोड़ा सा एक, और काव्य सौष्ठव भी अगर आ जाए उसमें, अलंकार आ जाए, कुछ मेटाफर सिमिली आ जाए तो और मजेदार है। फिर लिखना शुरू किया, जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, छोटा मीटर देखिए, टा 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 टा, इतने में लिखना है। लंबा मीटर हो तो आप बहुत सारे वर्ड फिट कर सकते हो, छोटे मीटर में लिखना और मुश्किल होता है। फिर मैं कश लगे ये जलवा, दिलकश लगे ये जलवा, मजा ही मजा ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा। अब यहां से एक क्रॉस आता है, अब मुझे ये सुनाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसमें क्या लिखूं, इस जगह पे आके फिर लैंडिंग नोट्स पे आना है, फैशन का है ये जलवा। अब बहुत सोचना शुरू किया तो फिर अब वही भगवान देता है हर बार, तो अग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा ये है इस तरीके से। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ, आप देखेंगे कि जब आग जलाई जाती है तो आग ऐसे ऐसे जलती है, अगर कैंप फायर कभी आपने देखा होगा, हम लोग होलिका में भी देखते हैं, आग की लपड़ ऐसे नहीं जाती, आग की लपड़ ऐसे उसमें रवानी होती है। और जब लड़कियां कैटवॉक करती हैं तो वो भी आम लड़की जैसा नहीं चलती, जो रैंप पे वॉक होता है। अच्छा हाँ, एक बीच में एक टोकते हुए कि मैं पहले बार अर्चना जी से मेरी जब मुलाकात हुई सैन फ्रांसिस्को में पहली बार, तो मैं एक मेरा एक मीट एंड ग्रीट हो रहा था जिसको इन्होंने कंडक्ट किया था और वहां पर फैशन शो था। और मैं जिंदगी में, मैं तो एक लेखक आदमी, मेरे बाएं तरफ 6 मॉडल, दाएं तरफ 6 मॉडल को लेके मुझे एक उसमें लास्ट में वॉक भी करना पड़ा था। तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी, मैं तो वो लड़कियां तो बड़ी फ्री होकर चल रही थी, मैं ही कांप रहा था उनको, मैंने तो जिंदगी में, और उसमें एक दो लड़की मुझसे भी इतनी इतनी लंबी थी, कोई जापानी तो कोई हंगेरियन तो कोई कहीं की, दो इंडियन लड़कियां भी थी। मैं कहा यार कहां फंसा मैं, सर एक वॉक आपके साथ भी होगा, और इन्होंने भी उसमें कह दिया नहीं नहीं होना चाहिए होना चाहिए। अरे भाई बली, मैं तो कांपते हुए चला। तो वापस आते हैं, तो आप जो आग है वो इस तरह से जलती है लपट के साथ, यानी उस जो लपट है वो रश्मिक रवानी होती है, और लड़कियां कैट, तो आग सी रवानियां कैटवॉक लेती जब अंगड़ाइयां, जब आप देखेंगे कि लास्ट में जब रैंप खत्म होता तो एक पोज बनाती है लड़कियां, तो ये जला दे दिलों में चिंगारी, और लोग आग फाड़ के देखते रहते हैं, और चिंगारी जैसे, और आग के ऊपर देखेंगे जब आग जलती है तो उससे कुछ कुछ ऊपर ना कुछ चिंगारी जैसी भी, जब आग की लपट जलती तो उसके ऊपर एक चिंगारी भी आती रहती है, चिंगारी जुगनू जैसी चिंगारी। हाँ, तो वो उसको मैंने रैंप वॉक के साथ एक सिमिली बनाया, और उस तरीके से यूज करते हुए कि आग सी रवानियां लेती जब अंगड़ाइयां, ये दिलाते दिलों में चिंगारियां, जलवा ये जलवा फैशन। अब मेरा गाना समाप्त हो गया पूरा। तो इस गाने के बाद जब ये हो गया, और बाद में फिर उसके अंदर जो भी है कहानी, फिर उसके मैंने फिर उसका विस्तार शुरू किया, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, क्या ना इसने करवाया, हाँ ये जलवा। तो फिर यहाँ से उसके अंदर एक पूर्णता आई, और जब ये गाना फिर रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद इज द हिस्ट्री। लेकिन मुझे बड़ा संतोष मिला कि इस गाने में, जो आप शुरू में कह रही थी मेरे परिचय देते कि जितनी मौलिकता आ सके, देखिए वैसे तो क्रिएशन जो रिक्रिएशन को ही क्रिएशन करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पहले सब उस्ताद लोग कर गए हैं, चाहे वो संगीत हो कोई भी कला का क्षेत्र हो, सब कर गए हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा करने का मौका, गनीमत है कबीर लोग के जमाने में फैशन वर्ड नहीं आया था, कबीर सूरती तुलसी और गालिब के, ये लोग इसमें भी लिख गए होते, ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये इन्होंने इसको भी ना छोड़ा होता, और उसमें भी 1500 तरह की चीज लिख गए होता, हमारे लिए कोई स्कोप ही नहीं बचता। तो चांस की बात है उस समय में रैम शो नहीं होते थे और इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी, इसलिए मेरी जान बच गई और मुझे एक काम करने का मौका मिल गया। तो वही है, इस तरीके से इस गाने का क्रिएशन हुआ, और ये एक अजीब सा चैलेंज था जो आपने बुनियादी सवाल कि क्या फर्क होता है साहित्य में लिखने में और इसमें। अब इसकी जो लिखावट है इसके लिए मुझे कितनी चीजों का ध्यान देना पड़ा कि इस एक शूट में क्या दिखने वाला है, फिल्म की कहानी क्या है, आगे पीछे क्या हुआ है, पूरी फिल्म के अंदर कहाँ कहाँ पर, क्योंकि ये गाना फिल्म में कई जगह पर बजा है, जब उसकी हालत खराब हो जाती कंगना रनौत की, तब भी तो वो दिखा रहा है कि आसमां पे भी ले आया, जमीन पे भी ले आया, तो सारी चीजों को मुझे कहानी के अनुरूप डालते हुए, और जब गाना फिल्म के साथ भी और फिल्म के बाद भी, अच्छा गाना वो होता है अगर इस गाने को फिल्म से अलग चला, आज हर जगह फैशन शो होता है ये गाना चलाया जाता है, मैं कितने फैशन शो में जज इस गाने की वजह से बन पाया कि इन्होंने, ही इज द क्रिएटर सो कॉल हिम ऑल्सो एज अ जज अपार्ट फ्रॉम द बॉलीवुड वॉट एवर आई हैव डन। सो तो वही मैं बता रहा हूँ कि गाने के पिक्चर से अगर आप हटा भी देंगे, आज पिक्चर तो कोई नहीं देखता, सबने देख ली, बट ये गाना हमेशा सुनाया जाता है नहीं पर, तो ये एक और अच्छी बात होती है अगर कोई गाना फिल्म के अंदर और फिल्म के बाहर भी चल जाए,
तो सिनेमा में लिखते वक्त तो आपको फिल्म के साथ निभाना होता है, लेकिन फिल्म के साथ निभ जाए और बाद में वो अपने आप में 4 मिनट का या 3.5 मिनट का पीस ऑफ आर्ट बन जाए तो फिर बल्ले बल्ले। साहित्य में लिखते समय कोई दिक्कत, आपके जो मन में आए लिखो, साहित्य के सिर्फ मानक जो है अगर वो अच्छा लिख दिया आपने, बात खत्म हो गई। तो ये फर्क है दोनों में बुनियादी, कि वहां पर एक आपको सीमा में बंधे रहना पड़ता है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं। बहुत अच्छी बात और बहुत उपयोगी बात कही, जो हमारे नवांकुर हैं जो बॉलीवुड की तरफ दिशा कर रहे हैं, दशा उनकी ऐसी हो कि वो वहां पहुंच सके ऐसा सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़े हैं, प्रियंका सिंह जी जुड़ी हैं कतर से, प्राची जी जुड़ी हैं कैनेडा से, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी जुड़ी हैं जर्मनी से, और अजय गोयल जी जुड़े हैं तंजानिया से, विकास कुमार जी हैं हमारे साथ और सरिता चतुर्वेदी जी हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं, रमेंद्र कुमार जी हैं, विकास कायत जी हैं, उर्मी पांडा जी हैं, कनिका वाही जी हैं कैलिफोर्निया से, और अर्चना उर्वशी जी हैं मुंबई से, दिनेश दवे जी हमसे जुड़े हैं, और स्वप्ना मित्रा जी हैं, और रंजना वर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने आपसे, और भी कहते हैं सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस यूं ही कहते रहिए, गाते रहिए। और संदीप त्यागी जी कह रहे हैं कविरेव प्रजापति आप पर सटीक बैठता है भाई साहब, तो आपको मैं हमें कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, और बहुत जी कुछ कह रहे थे आप दोस्त है उर्मी पांडा जी हैं, क्या कहते हैं दिल्ली से, ये भी बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छा। और ये बांग्ला में मेरे साथ इनकी अक्सर बातचीत होती है क्योंकि ये बांग्ला भाषी हैं, तो इनके साथ मैं बांग्ला में कुछ लिखता रहता हूँ, तो इनके साथ भी मेरा डिस्कशन चलता रहता है इन चीजों को लेकर, क्रिएटिव चीजों को लेकर, तो ये बड़ा अच्छी बात है। हाँ, तो वो भी देख रही है, अच्छी बात है, मैंने उनको लिंक भेजा था आपका, भेजा वाली, बहुत धन्यवाद आपका। ओम निश्चल जी भी जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ हम कुछ आपसे साहित्य की बातें भी सुनना चाहेंगे, और हम जानते हैं कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, और खासकर लालन फकीर जी की, बिकॉज सिर्फ हिंदी नहीं बंगला में भी आपका बहुत अधिकार है, और हम जानते हैं कि आपको ज्ञान बहुत है, आप मौलिक तो हैं, क्योंकि जो अंदर जब तक भरता नहीं तब तक वो छलकता नहीं है, तो आपके अंदर इतनी सारी विधाएं, शैली, ज्ञान और ऊर्जा है, तो एक बार आप हमें अगर कुछ बंगला में भी सुनाए तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए बांग्ला में जो कि इतने स्टॉलवर्ड्स हो गए हैं, मतलब हम लोग बंगाली होने का एक फायदा है कि सीखने को बहुत मिलता है, उतना ही नुकसान है करने के लिए बड़ी चैलेंज हो जाती है, क्योंकि हर गली में एक कलाकार बैठा हुआ है। खुद हमारे घर में 10 लोग इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, और ठीक है वो लोग प्रोफेशनली लिखते, लेकिन उनकी कोई कोई रचना ऐसी होती है कि हमको चौंका देती है, या कोई उनका सुर ऐसा लगाते हैं कि लगता है बाप रे अभी क्या कर डाला इन्होंने, तो बड़ा ठीक है वो लोग प्रोफेशनल, कोई किसी की दुकान है, कोई कहीं नौकरी करता है, कोई पढ़ता है, लेकिन कला की बात करो, और अब तो पूरे भारत में नए पीढ़ी के माता पिता हैं, अब टैलेंट पूरे भारत से आ रहा है, चाहे वो आसाम के बच्चे हो, उड़ीसा से हो, कोई साउथ इंडिया में, तो खैर पहले वहां पर भी काफी था, लेकिन वो चूंकि भाषा थोड़ी, लेकिन अब वो लोग हिंदी भी बहुत बढ़िया गा रहे हैं, मतलब साउथ के बच्चे ऐसा हिंदी गाते हैं कि मतलब हिला के रख देते हैं, तो अब तो पूरा भारत, तो इस भारत तो कला कला से भरा, कला संस्कृति का देश है, तो ऐसे समय पे बड़े डर लगता रहता कुछ भी करते हैं यार, इसको पसंद के कोई इससे बढ़िया तो ये लोग कर दे रहे हैं आजकल के बच्चे, लेकिन फिर भी तो मेरे तो चूंकि बंगाल में रविनाथ टैगोर जी, उनके बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया अलग से, क्योंकि हम लोग कोर्स में हिंदी में ट्रांसलेटेड चीजें पढ़ते थे, तो महादेवी वर्मा जी ने एक बार उनके बारे में लिखा कविंद्र रविंद्र, कवियों का इंद्र है रविंद्र, तो मुझे लगता था कि बंगाल में तो ठीक है उनके बारे में, गुरुदेव के बारे में कहा ही जाता था, लेकिन जब मैंने महादेवी जी के मुंह से का आर्टिकल पढ़ा, उनके ऊपर जो लेख था पढ़ा, तो फिर मैंने रविन्द्र टैगोर पे स्टडी करना शुरू किया, जैसे जैसे स्टडी करता गया और अच्छा लगता गया, फिर एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में गुरुदेव का बहुत नाम है, लेकिन रविंद्र संगीत जो है वो चूंकि बंगला में होता है तो उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था, फिर पिछले करीब 10-12 साल से मैं रविंद्र संगीत सुनना शुरू किया, तो फिर एक से एक रचना, मतलब 4000 से अधिक गाने हैं रविंद्र संगीत के बारे में, सही जानकारी अभी तक मिली नहीं है, रिसर्च चल रहा है अभी भी कि एग्जैक्ट कितने गाने, लेकिन वो 4000 के आसपास गाने जिसको उन्होंने लिखा और उस जिसकी धुन भी उन्होंने बनाई, संगीतबद्ध भी किया, जिसको अलग अलग आर्टिस्टों ने गाया। फिर एक जगह मैं पढ़ने लगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर किससे इंस्पायर होते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भी बहुत लोग थे जिनसे वो इंस्पायर होते, जो उनसे पहले हो गए, और उसमें एक नाम आया लालन फकीर साहब का, तो तब तो भारत एक ही था, बहुत पहले की बात है, लालन फकीर तब जो अब बांग्लादेश है, पूर्व बंगाल, तब तो बंगाल एक ही था, पूरा भारत ही एक था, तो वहां से आते हैं, एक संत कवि हैं और गायक हैं, गीतकार संगीतकार, तो उनका एक गाना है, इस गाने के बोल है कि मिलन होबे कतो दिने अमर मोनेर मानुषेर शोने, कि मिलन कितने दिनों में होगा अपने मन के जैसे इंसान के साथ, और
मैं फोक म्यूजिक को बहुत पसंद करता हूँ, दो मैं आई एम इनटू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक, बट फोक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो सारे संगीत का आधार लगता है। अच्छा, शास्त्रीय संगीत भी, शास्त्र भी उसके बाद बना, लोकगीत संगीत बहुत पहले बना, और लोकगीत संगीत के पीछे जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? मजदूर, नाविक, खवैये, किसान, गुलाम, जिन लोगों के पैरों में जंजीर बांध के जंगलों में छोड़ दिया गया और उनको पता नहीं, उनको तीन तीन दिन में एक बार खाना मिलता था, लेकिन उनके मन में भी गीत होते थे। वो लोग पेड़ों की डाल बजाकर, पत्थर बजाकर, अपने शरीर के अंगों को बजाकर कुछ कुछ गाते थे कि हम कभी आजाद। और ये पूरी दुनिया में है फोक म्यूजिक, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं भी जाएंगे हर जगह का फोक म्यूजिक है। नाविक उस वक्त अपनी नाव लेके महीनों महीनों के लिए समुद्र में और नदियों में चले जाते थे, उनके पास कुछ चारों तरफ पानी पानी है और कुछ थोड़ा सा खाना है और उनको अपने मंजिल पे पहुंचना है, तो उनके पास क्या होता था? सिर्फ ये वो गा के एक दूसरे को मनोरंजन करते रहते थे। उसमें कहीं कहीं कुछ गाने रिलीजियस होते थे, कुछ गाने फिलोसॉफिकल होते थे, मुख्यतः यही, या जीवन की बात, जीवनमुखी कहते हैं उसको, जीवनमुखी गीत कहते हैं हमारे बंगाल में, जीवन के गाने होते थे। तो इस तरह की चीजों से बना हुआ फोक संगीत है। बाद में शास्त्र और वगैरह विधाएं बनी और उसके बाद राग रागनियां सब बननी शुरू हुई, तो इसके पूरी एक अलग, उस पर तो पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो मैं आता हूँ कि तो लालन फकीर साहब को जब मैं सुनने लगा तो ये गाना आपके, चूंकि आपने आदेश किया तो मैं दो लाइन गाता हूँ, पता नहीं कैसे गा पाऊंगा, लेकिन ये गाना बहुत है। हमारे दर्शकगण कब से बेताबी से कि आप गाएंगे, वेट, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हम गीत सुनना चाहते हैं लालन जी का, संदीप जी की आवाज में, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस गाने को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत जल्दी, ये लॉकडाउन खत्म होते ही। चातो को प्राय निशी चे आचे कालो शोशी आमी हबो बोले चरण दासी, आमी हबो बोले चरण दासी, ओता होय ना कपाल गुने, ओता होय ना कपाल गुने, आमार मोनेर मानुषे रोशने, आमार मोनेर मानुषे रोशने, मिलन होबे कतो दिने, मिलन होबे कतो दिने, आमार मोनेर मानुषे रोशने, आमार मोनेर मानुषे रोशने। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर गजब। हमारे ऑडियंस, हमारे जो दर्शक गण हैं, जो हम आपके फैन हैं, बहुत 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 तारीफ कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जरूर हम आपके साथ साझा करेंगे। आप तो जैसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, लिखते हैं, रचना करते हैं, संगीत लिखते हैं, गाते भी हैं, और फिल्मों की तो क्या बात। अभी आप बिफोर वी से बाय, हम आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाएंगे संदीप जी के द्वारा रचित, लेकिन फिलहाल हम मिलना चाहते हैं अपनी सृजनी की टीम से जो बहुत उत्साहित है, तो हम स्वागत करते हैं जर्मनी से चिप्रा जी का और आयोवा से। चिप्रा जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, श्वेता जी जी, नमस्कार श्वेता जी, नमस्ते संदीप जी। तो आइए हम उनसे स्वागत करते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमारे अपने बॉलीवुड के प्रख्यात, सुविख्यात, प्रसिद्ध और बहुत अच्छे इंसान संदीप जी से। तो श्वेता जी, शिप्रा जी, आपको श्वेता जी पूछिए। बिल्कुल सर, मैं तो मतलब लगातार जुड़ी हुई हूँ, सुन रही हूँ आपको, इतने बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, मतलब शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर आपका मतलब जुड़ाव नहीं होगा। इतना खूबसूरत बंगाली संगीत, रविंद्र संगीत तो वैसे ही बहुत सुंदर है, अभी आपने सुनाया हम लोगों को, मन मतलब पूरा सृजनी परिवार शत शत वंदन करता है आपको, आपकी आवाज को, आपके भाव विभोर है हम सब, सच कहें तो हम सब भाव विभोर है, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं निरंतर देख रही हूँ, कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं, और कुछ ऐसा सुनाइए जो आपके मन के बहुत करीब हो, कोई ऐसा पहला गीत होता है ना, कोई कुछ ऐसा होता है, एक चीज जो मन को बहुत छू जाए, कहीं कहीं हल्के से छू जाता है कि वो दिल के बहुत करीब होता है, चाहे वो उतना प्रोफेशनली हमने उसको पब्लिसाइज ना किया हो, पर मन के बहुत करीब होता है, कुछ अगर ऐसा हो मन में तो जरूर सुनाइए प्लीज। देखिए, मैं इसमें दो तीन, मैं मेरे फिल्मों में दो तीन गाने उनके बारे में जिक्र करूंगा, और एक गाना जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसको भी मैं गाने की कोशिश करूंगा,
जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक मैं उसको पब्लिश नहीं करूंगा, लेकिन तो वो उसके बारे में बताता हूँ, तीन गानों के बारे में बताता हूँ। एक फिल्म आई है पान सिंह तोमर, जब वो फिल्म बन रही थी जो उसके डायरेक्टर हैं वो तिग्मांशु धूलिया जी, वो इलाहाबाद से हैं तो हमारे सीनियर भी हैं और उनको हम भैया कह के बुलाते हैं इंडस्ट्री में, या सबको आजकल सर्वर करके लोग बात करते हैं या टू द पॉइंट नाम, पुराने समय पे बहुत ज्यादा अभी जीवी लगाओ तो थोड़ा अजीब सा लगता है उन लोगों को, और मैं क्या है मैं पुराने और नए के बीच में फंस गया हूँ, तो बड़ा मेरे साथ एक तरफ मेरे वो आदर्श है, मुझे आदरणीय लता जी आशा जी इन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला, इन्होंने भी मेरे लिखे हुए गीत गाए हैं, बड़े प्रसिद्ध गीत हैं, और एक तरफ मैं एकदम यंगर जनरेशन के साथ अंकित तिवारी और क्या कहते हैं अरिजीत सिंह की जैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अरिजीत तो खैर बड़ा देसी किस्म का लड़का है, अंकित भी छोटे शहर से आता है कानपुर से है, वो भी बड़ा वो है, लेकिन फिर भी तो जो तो उस पान सिंह तोमर जब बन रही थी तो उसमें एक वो बुंदेलखंडी बैकड्रॉप पे फिल्म है और बड़ी रॉ फिल्म है जिसमें एक एथलीट डकैत बन जाता है, बड़ी एक बायोपिक थी, इसके अंदर एक गाना करना था तो उसमें था कि कैसे करेंगे। अब डकैतों के जीवन पे आज तक कोई गाना उस तरह से बना नहीं है, अब वापस ये बहुत एक मौलिक रचना है, तो उस गाने का था क्योंकि वो खिलाड़ी था और वो उसमें वो फिल्म एक सवाल करती है कि या को जवाब कौन देगो, कि मैं तो बंदूक नहीं उठाना चाहता था, लेकिन हालात जब वो आता है गांव और वहां की परिस्थिति की वजह से जिसमें उसमें इंगित है समाज सिस्टम सब पे इंगित है, उसकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, वो मजबूरी में उठाता है बंदूक, और हमेशा उसके मन में दर्द रहता था कि हम तो खिलाड़ी थे हम तो ये थे लेकिन हमको क्यों। तो उस गाने की रचना सुनिए, मतलब इस गाने पर इतने बड़े कला क्या कहते हैं तिग्मांशु धूलिया जब मेरी तारीफ करते तो मुझे लगता है चलो मेरा साथ इनका जुड़ाव है, एक भैया कहते हैं प्रेम है, वो गालियां भी देते हैं मतलब हम लोग प्यार वाली मतलब अब है, लेकिन हाँ कि अच्छा लिख दिया तो इतराओ मत ऐसे, मतलब वो इस तरह से क्या करते, मतलब ये नहीं कहते खराब लिखा अच्छा लिखते हो इतराओ मत, हाँ ज्यादा अपने को तुम फैंटम मत समझो, इस तरह से हमको डांटते हैं प्यार से हाँ, लेकिन इरफान खान जैसा आदमी मुझसे आके लिपट जाए तो आप यार मतलब संदीप नाथ क्या किए हो। तो मैं उस गाने के बारे में बोल बताता हूँ कि वो गाना प्रसिद्ध नहीं हुआ जो आपने अभी सवाल उठा कि शायद कहीं छुप गया, क्योंकि कि देखो हवा जोर से भड़की तन में नसे जोर से तड़की, तड़का लगाती आप महिलाएं लोग दाल में तो हाँ, तो देखो हवा तो कहां से मेटाफर और सिमली ली जा सकती है यही बता रहा हूं, मैंने कढ़ाई से लिया तड़का, तड़की क्या होगा मैंने कहा तड़का लगाते ना भैया, बोला अच्छा अच्छा कि देखो हवा जोर से भड़की सबने सुना है तन में नसे जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, चैलेंज आए आप अगले पर ये अपने मन की नाए, ये मेरे मन की नहीं है नाए कहते हैं बुंदेलखंड में नहीं को, का करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए, करनी पड़े इसमें धाए धाए साए साए और काए काए का बड़ा प्रयोग है, यानी ध्वनि से भी गाने में मीनिंग आता है कि अब तो कर ये गोली नहीं चलानी पड़ेगी, मैंने कहा अब तो करनी पड़ेगी, कैसे कविता का धर्म पालन हो रहा है धाए धाए, तकिया है बंदूक हमारी आर 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 आर, यानी वो लोग आप देखेंगे सिर के नीचे तकिया रख के सो जाते क्योंकि डकैत को या बागियों को हमेशा डर लगता है, तकिया है बंदूक हमारी आर 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 आर, पत्थर हमको लगे बिछौना आर 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 आर, एक दूजे का साथ हमारा, एक दूजे का साथ हमारा बीहड़ में बनवास हमारा, क्या बीहड़ में बनवास अपने आप में जुमले पूरी कहानी कहता है, बीहड़ में बनवास हमारा आंधी जैसा चलना साए साए, पर ये अपने मन की नाए का करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी दाए दाए, अगला अंतरा है जो हम तय खेरेगा दांव आर 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 आर, वाके उखड़ जाएंगे पांव आर 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 आर, लासन के अंबार दुश्मन ते हम मजा चखा दें लासन के अंबार लगा दे, चील कौआ करे काए काए, पर ये अपने मन की नाय का करे ना कोई उपाय अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए, कि अगर तुम किसी को बंदूक उठाने पर मजबूर करोगे तो चील कौए मंडराएंगे लाशों पर, तो इतनी सारा मैसेज इस गाने के अंदर, और इस तरह के देशा शब्द और इस तरह का मेटाफर सिमिली करने का मुझे भगवान ने मौका दिया और वो हुआ, और ठीक है ये फिल्म म्यूजिकल नहीं थी और ये छोटी रिलीज हुई थी, लोगों ने बाद में इसको टीवी पे हॉल में शायद ही किसी ने देखा होगा, सबने टीवी पे और चैनल्स पे देखा, बट एवरी उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, मेरी बहुत सारी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला, क्रिटिकली बहुत एक्लेम हुई और जितना उसको कमर्शियली कहा जितना कमर्शियली बिजनेस करना चाहिए उसने उतना वो भी किया, और बट उसमें एक छोटा सा मेरा योगदान रहा, चूंकि आपने कहा कि ऐसी कोई रचना जो बहुत दिल के करीब हो और उसकी वजह से मेरी और कैलाश खेर जी ने उसको गाया है, मेरी बहुत गजब बॉन्डिंग हुई उनसे, मतलब वो पहले भी मेरे लिखे हुए बहुत गाने उनके हिट हो चुके थे बट वो जब मिलते हैं इस गाने की तारीफ करते हैं, ऐसे एक गाना है मेरा सिंदूरी आसमान है शर्माया सा, मुझा एक प्रेम राग है झनकाया सा, मन मेरा माने ना कुछ भी ये जाने ना, कह दो कह दो कह दो हमसे प्यार है
मेरी जान जाने जा। इस गाने को सोनू निगम और श्वेता पंडित ने गाया है। सोनू ये गाना, ये पिक्चर चली नहीं, इस पिक्चर का नाम था जेम्स। इस गाने को सोनू निगम ने अपने चैनल पर, अपना सोनू निगम का चैनल टाइप करेंगे, सिंदूर या आसमान गाना टाइप करेंगे तो उसमें सुनाई देगा। इतने उस आदमी ने हजारों गाने गाए हैं, सोनू निगम बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। तो इस गाने को स्पेशली वो, उसके बाद उन्होंने मेरे बहुत लिखे हुए गाने गाए लेकिन मुझे लिपटा लेते हैं, और इस गाने को उन्होंने अपने पर्सनल सोनू निगम के चैनल पर, ये गाना है बहुत उन्होंने रखा हुआ इस गाने को, तो आप समझ पा रहे थे। ये सब गाने बहुत हृदय के नजदीक हैं, जो इतने हिट नहीं हुए उस प्रकार से। जी, और एक गाना और था साहब बीबी गैंगस्टर में, उसको श्रेया घोषाल ने गाया था, कि रात मुझे ये कह के चिढ़ाए, तारों से भरी मैं तू है अकेली हाय, कानों से मैं रात मुझे ये कह के चिढ़ाए, तारों से भरी मैं तू है अकेली हाय, कानों से मैं जल जल जाऊं, आज रुको तो बली जाऊं। हजारों ठुमरी हमने सुनी थी, सैया निकस गए मैं ना वो थी, या सैया चले गए विदेश हुआ ये वो, तो मैंने कहा यार इसमें एक ऐसा गाना था कि शिकायत कर रही हो कि आज रुक जाओ रात में, आज जाने की जिद ना करो। बहुत सारे सुने हमने कहा इस पे थोड़ा सा, और मैं चूंकि अवधि के भाषा का थोड़ा मुझे पता है इलाहाबाद और कानपुर की वजह से, लखनऊ की वजह से, तो मैंने कहा कि रात मुझे ये कह के चिढ़ाए, तारों से भरी मैं तू है अकेली हाय, तानों से मैं जल जली जाऊं, आज रुको तो बली जाऊं। तो ये तो श्रेया घोषाल आज भी इतने उन्होंने गाए, सुन रहा है ना तू वगैरह इतना बड़ा हिट गाया, उसको भी उन्होंने गाया, लेकिन वो इस गाने के लिए का जिक्र जब भी हम लोग कभी अलग से बैठते हैं चाय पीने के लिए, कभी हमें बहुत कम मिल पाते हैं, वो बहुत बिजी आर्टिस्ट है, हम लोग यहाँ बॉलीवुड में बड़े बिजी रहते हैं, लेकिन कभी जब भी यदा कदा मुलाकात होती है तो एक बार वो जरूर कहती कि दादा क्या यार वो क्या गाना है दादा, तो वो मुझे प्यार से दादा कहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कुछ गाने अभी स्मरण में आए, अभी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपने चूंकि ये सवाल रखा ऐसा छेड़ा आपने, तो वो कुछ पुरानी बातें याद आई। और एक गाना जो दूसरे का गाना है, यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत गानों में एक गाना है, तो मैं उसका दो लाइन गुनगुना देता हूँ, वो गाना मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। आप लखनऊ कनेक्शन बोल दिया ना आपने, हम भी लखनऊ के, इसीलिए दिल की बात। इलाहाबाद, लखनऊ से बड़ा लगाव है हमारा, लखनऊ इलाहाबाद कानपुर बनारस मुरादाबाद बिजनौर कृष्णनगर नदिया डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह क्या बात है। तो वो उनका एक गाना है, आमारो पौरानो जाहाचा तुमी ताई गो, आमारो पौरानो जाहाचा तुमा छड़ा रे जगते मोर के हुना किछु नाई गो, आमारो पौरानो जाहाचा, यानी मेरा प्राण जो चाहता है तुम वही हो, तुम्हारे सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है, मतलब ये गाना कलेजा निकाल कर रख देता है। तो बहुत ही इस गाने को मैं कोशिश करूंगा। हाँ थैंक यू। अरे ये तो गुरुदेव का गाना है तो हम लोग तो सिर्फ इसको ट्राई कर सकते हैं गाने का। आवाज से बहुत मधुर, बहुत मधुर, मजा आ गया। और बता दूं कि हमारी एक और जो सृजनी है, हम चार हैं, तो जो सबसे हमारी प्यारी सी हैं प्राची जी भी जुड़ चुकी हैं, शी इज फ्रॉम कनाडा। प्राची जी नमस्कार। संदीप जी, मैं प्रयागराज में पैदा हुई थी, पिताजी फौज में, तो पूरे भारत में घूमी, तो जो आपने कहानी आज सुनाई ना, बड़ा अच्छा लगा कि कोई मेरे तरह रिलेट कर पा रही है, आप उससे रिलेट कर पा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। संदीप जी आपसे एक चीज पूछूंगी, आपके परिवार में भी कोई ऐसा गीत होगा ना आपका, जो कि सबको लगता है कि संदीप जी जब आप मिलते हैं सबके भाई ये जरूर सुनाइए, तो ऐसा कोई गाना जो आपकी फैमिली को आपका कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, जो हर बार फरमाइश आती हो और उसके पीछे की कोई कहानी सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। असल में क्या, गानों का खजाना इतना बड़ा है कि मतलब बहुत सारे गाने बहुत, जैसे लेकिन जैसे पिताजी और मेरे माताजी दोनों को ये गाना बहुत पसंद था, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, ये गाना मतलब बहुत अच्छा, मुझे हमको भी बहुत पसंद है, तो ये गाना हम परिवार में सब लोग पसंद करते हैं। तो और भी बहुत सारे गाने, असल में हम लोग जब गाना सुनने या करने बैठते तो फिर 10-20 गानों से पहले रुकते नहीं है। सही बात। आपका कोई गाना, जैसे आपका कोई लिखा हुआ कोई गीत हो, जो होता है ना माओ की आदत होती है स्पेशली, मुझे पता है जैसे मेरी मम्मी है, मेरी कविताएं सब सुनती है पर कुछ कविताएं कहती है ये तुम्हारी सबसे अच्छी कविता है ये सुनाओ। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि गाने से तो मेरी माँ को मेरा हर गाना अच्छा लगता था, क्योंकि हमें गाना अच्छा लगना इसलिए भी पड़ता था कि मुझे बड़ा डर लगता था अपनी माँ और बहनों से,
क्या दादा इतना रद्दी गाना लिख दिया तुमने, मतलब क्या है? मैं जब पब्लिक की चिंता से पहले तो ये घर में डर लगता, बीवी से तो, भी अच्छा बीवी को तो फिर भी पता गाना लिखेंगे तो घर में पैसे आएंगे, लेकिन माँ को और बहनों को तो मेरे से पैसे नहीं चाहिए, तो उनको पता क्या, अरे यार सर हाँ, तो मुझे बड़ा लगता था अगर इन्होंने एक टोक दिया कि तुमने यार बड़ा रद्दी गाना लिखा तो मेरी तो नाक कट जाएगी, तो मैं बड़ा डरता रहता था, तो इसलिए इस डर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी ज्यादा मैं अपनी माँ और बहनों से डरता था कि दादा क्या लिखे हो, माँ कहती संदीप क्या लिख दिया तुमने। तो और आपको सच बताऊं, आज हम लोग जैसे भी हैं जो थोड़ी बहुत तमीज है इसमें, हमारी माँ मौसी चाची बुआ इन लोग का बड़ा रोल रहता है, बेटा ये मत करना, बेटा हाँ बेटा ये मत करना, भैया ये मत करियो भैया है, तो इतना हम लोग को उन्होंने यानी प्रोत्साहन का दूसरा रूप है ये कि जिसमें गलत करने से बेटा ये मत करना, बेटा यहाँ ऐसा मत करना है, तो इतना समझाया उन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तुमको हमारी कसम भैया ये मत कर देना, तो हम लोग मेरे तो डीएनए के अंदर वो चीज आ गया यार ये करूंगा, मतलब मुझे लगता था हर वक्त ये लोग मुझे कहीं सीसीटीवी कैमरे की तरह देख नहीं, क्या गलती ना हो, तो वो एक एक हर वक्त मेरे अंदर रहा, मैं हर जहां भी मौका मिला मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा योगदान है, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में माँ मौसी चाची ताई ये सब, और हम लोग मोहल्ले में भी किसी को जो है हम लोग चाची और ताई जो रिश्ता जिनसे होता था वही कह के बुलाते थे कभी, हाँ तो ऐसा ये रहा एक चीज। तो जब ये सुन रहा ना तो रो रहा हूं मैं गाना आया तो उसमें क्या ये एक लाइन आ गई रो रहा हूं मैं, तो मेरी माँ को लगता था मन के अंदर लगता था ये क्या बात है, मतलब मेरे बेटे को कोई ऐसा ये मतलब रो रहा हूं क्यों लिखा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी उनको हमेशा ही लगता था। अच्छा ये गाना कुछ ज्यादा ही मतलब पॉपुलर हुआ और इतने सालों बाद लोग पूरा पूरा गाना याद है, हाँ तो पूरा पूरा गाना याद है, तो एक चाइनीज आदमी ने जब मुझे ये गाना सुना दिया पूरा तो मैंने कहा यार इसको भी याद है, मतलब तो बहुत खुश हुआ मैं। तो और उसके दोनों वर्जन है, मेल फीमेल दोनों वर्जन है, एक अंकित ने गाया था और एक श्रेया जी ने गाया था, दोनों बहुत हिट हुए उस साल के, तो बेस्ट फीमेल सिंगर के सारे अवार्ड जो है श्रेया जी को मिले थे उस साल। आपको भी बधाई, आपको मिर्ची म्यूजिक अवार्ड मिला 2021 का, तो आशिकी 2 के लिए तो। हाँ 2021 में मिला, और ये तो ब्याज की तरह से मिला कि एल्बम ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला, बट इसके सारे अवार्ड 2014 में मिले थे, 10 सालों में आशिकी को बेस्ट एल्बम माना गया, लेकिन 2014 में जब मैं जिसकी बात कर रहे हैं श्रोता करूँ दर्शकों ने निवेदन किया है कि वो जरा दिखाएं, तो मैंने खून ढान के निकाला है, तो आपको बिफोर वी गो फर्दर ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, कितना प्यार है। तो देखा आपने कितनी सुंदरता के साथ इन्होंने रचा है उन शब्दों को, तो मैं आई कुड नॉट कंटेन मायसेल्फ टू शो इट, तो चलिए आपकी बात आप प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। तो ये गाना माँ को बहुत, क्योंकि और उसमें एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, मेरी माँ का 2018 में ऑपरेशन हो रहा था बीएम बिरला हॉस्पिटल कोलकाता में हार्ट का वाल्व का, तो जब उनको ऑपरेशन रूम में ले गए तो वहां पीछे म्यूजिक चलता रहता, तो जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे तो तभी ये गाने की धुन बची उसमें, तो मेरी माँ ने कहा ये मेरे बेटे का गाना, तो डॉक्टर ने कहा सच, उनको लगा कि अच्छा उनको लगा कि ये लेडी तो ऐसे तो छूट नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी कि एक पेशेंट जिसका मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ अभी एनेस्थीसिया करेंगे उस वक्त ये कह रही है ये मेरे बेटे का गाना है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो गाना नहीं बजता था उसकी, मतलब म्यूजिक बजता रहता था, इस गाने की म्यूजिक बजती थी, मतलब उनके गानों की उन्होंने म्यूजिक बजाते थे बहुत सारे गानों की, तो उसमें ये गाना भी था, उस डॉक्टर ने कहा जैसे ही आप मतलब अपने बेटे से कहिएगा मुझसे मिले आके, तो फिर मैं 2-3 दिन के बाद जब मम्मी होश में आ गई और ठीक हो गई थोड़ी सी, तो फिर मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बाकायदा चाय वाय पिलाई जाने लगे, तो मैं जल्दी निकला क्योंकि बाहर दूसरे पेशेंट वेट कर रहे थे और वो अपनी बेटी से और सबसे मेरी फोन पे बात कराने लग गए, तो मुझे लगा यार अच्छा नहीं है पेशेंट, तो ये सब घटनाएं इस गाने से जुड़ी है, तो मेरी माँ को ये पर्सनली गाना बहुत पसंद था, और ये गाना फिर माँ ने ऑपरेशन थिएटर में बताया डॉक्टर को ये घटना ये घटी, तो इस तरीके से। और एक गाने के बारे में और जिक्र करूंगा, वो गाना हिट तो बहुत हुआ था लेकिन थोड़ा पीछे चला गया, ओ सिकंदर ओ सिकंदर झांक ले अपने दिल के अंदर, अरे डॉक्टर से याद है हाँ, क्यों तरसता है तू बंदे
जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, तुझमें भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले अपने दिल के अंदर। इस गाने के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं शमी टंडन, उनके घर में एक फंक्शन होता था हर साल, वो लोग घर में कीर्तन वगैरह कराते तो उसमें बुलाते थे। तो मैं गया तो वहां पर एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, तो मुझे डॉक्टर साहब आइए ये है संदीप दत्त। अरे यार हाथ मिलाया सीनियर आदमी, बोले भाई तुम्हारे इस गाने की मैंने 200 सीडी 300 सीडी बना रखी, और मैं जो है फर्टिलिटी पे काम करता हूँ, जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं तो वो बड़े उदास हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ये घटना 13-14 साल पुरानी बता रहा हूँ, वो फिल्म आई थी शायद 2006 या 2007 में। तो मैं उनको ये सीडी देता हूँ कि इस गाने को सुनो बार बार और उनको दिलासा मिलेगा। अब बताइए एक गाना जो फिल्म के अंदर आ रहा है उसको एक डॉक्टर अपने मरीजों को दवाई देने और सलाह देने सीडी दे रहा, तो अब एक नया एक्सपीरियंस था। और वो खुद डॉक्टर मुझे बता रहा कि भाई तुम्हारा वो जो गाना यार, अब गाना मतलब गाने की बोल के लिए उनको इंस्पायर कर, हाँ मैं तो सर पर मैं तुरंत पैर छुए उनके, मैंने कहा सर अरे नहीं यार, बोले संदीप जी आप मेरे पैर क्यों छू रहे, मैं तो आप छोटे हो मुझसे तो पैर तो नहीं सूखता, गले लगाए। बोले यार ऐसा लिख दे मैं अपने, मुझे ये गाना समझ में आया। आप बताइए लाखों गानों में किसी डॉक्टर को एक गाना लग रहा है ये गाना मैं अपने पेशेंट को देता हूँ सुनने के लिए, दवाई के साथ साथ मोटिवेट कर सकता है। तब मुझे तब इन सब चीजों की खुशी, फिर ये मैं जैसे माँ के साथ शेयर किया, लेकिन माँ को पर्सनली जो है सुनना ना, तो स्पेशली जो फीमेल वर्जन है ये बहुत हाँ। ज्यादा पसंद था, पसंद है, बहुत ही सुंदर, मुझे लगता है वो उस गीत से सबने रिलेट किया है। आपका एक और गीत था रॉय मूवी में यारा रे, वो अगर आप थोड़ा सा गुनगुना देंगे, बहुत ही प्यारा गीत है वो भी। और वो मेरा जो वो उसको जिसके जो गायक है मिस्टर के, आप सोचिए खुद अंकित तिवारी इतना बड़ा गायक है, बट जब ये गाना बना तो अंकित ने पूछा दादा इस गाने में क्या करूं, मैंने कहा तुम मत गा भाई, उसने तो गा रखा था अपने आवाज में, क्योंकि जब गाना बन रहा था इस गाने को के से गवाते हैं, के बड़ा का फील और थ्रो अलग ही है, तो के बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बड़े सज्जन व्यक्ति, ज्यादा एक्सपोजर में नहीं रहते, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत ही अलग तरह के इंसान है वो भी। तो अजनबी कहें के अपना कहें, अब क्या कहें क्या ना कहें, इशारे भी चुप हैं जुबां खामोश है, नजारे भी गुम नाना वोश है, यारा रे यारा रे, इन फासलों में भी तू यारा रे, यारा रे यारा रे, इन फासलों में भी तू यारा रे। तो दूरी से भी कभी फर्क नहीं पड़ता अगर किसी के साथ आपका लगाव है, तो ये बात कहने की कोशिश, पूरा गाना मुझे समय याद नहीं है तो इसलिए, लेकिन चूंकि आदेश था तो मैंने थोड़ा गुनगुना दिया। मैंने आपसे इसलिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि जो हमारी सृजनी की टीम है, हमने जनवरी में ग्रुप फॉर्म किया, आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग आज तक एक दूसरे से इन पर्सन कभी नहीं मिले हैं, पर वो जो यारा रे है आपका गाना, वो हमारी स्टोरी एक इन फासलों में भी तू यारा रे, करेक्ट, क्या बात है। बिल्कुल, मैं कुछ चार लाइनें कहूंगी यहाँ पर कि धड़क रहा है दिल मेरा पर सांस अधूरी लगती है, धड़क रहा है दिल मेरा पर सांस अधूरी लगती है, चाह मुझे मंजिल की है पर आस अधूरी लगती है, और जीवन का आधार तुम ही हो मेरे प्राण प्रिय। जितनी दोस्ते हैं, जितने अपने चाहने वाले हैं, अपने लोग हैं, उनकी बात कहती हूँ, और जितना पाती हूँ तुमसे ये प्यास अधूरी लगती है, जितना पाती हूँ बिल्कुल सही कहा आपने, सामने सब तगड़े लोग बैठे हुए। मेरा एक सवाल है आपसे, जी 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 बोले, मेरा एक सवाल है कि आप इतनी सारी गीतों की आपने रचना की है, संगीतबद्ध किया है, उसको गुनगुनाया है, तो आपको एक गाने को लिखने से लेकर उसको फाइनल तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है? ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, उस वक्त मन की स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, और आसपास का वातावरण कैसा है, क्योंकि इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, कभी कभी तो जल्दी से हो जाता, फट से हो जाता, मतलब वो बैक ऑफ द हेड शायद पहले से चल रहा होता है, वो एकदम फट से हो जाता है, और कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन ज्यादातर में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा है। उसकी वजह क्या है मैं बताऊं, ये प्रक्रिया हर वक्त चलती रहती है, वो फॉर्मेशन में होने में, फॉर्मेशन तो फट से 2 मिनट का काम है, ऊपर वाला करा देता है,
हाँ, लेकिन वो दो मिनट एक्चुअल में वो नहीं है, वो फॉर्मेशन बहुत पहले, जैसे फल देख के आप जब बीज लगने से लेकर फल आने तक की प्रक्रिया बड़ी वो लंबी है, लेकिन वो तो ये एक ऑटोमेशन में, ये तो पैदा होने के दिन से लेकर जितने लोगों के साथ आपने समय बिताया, जो देखा सुना पढ़ा कल्पना की, तमाम चीजों से मिश्रण से बनता है। तो लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर म्यूजिकल एटमोसफियर है, कुछ है, कभी कभी एक छोटी सी कोई बात मिल जाती, क्लू उससे निकल जाता कुछ, तो एक चीज होती है जो आपको एक पुश देती है और उस पुश बन जाता है। बट इन एवरेज ऐसा बहुत कम हुआ, फिर इससे भी कम, नहीं नहीं इतना समय कभी नहीं। एक गाने में हम फंस गए थे कभी, क्योंकि धुन पे लिखना था तो उसमें स्टार्ट कैसे करे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब क्या, मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ, ये सवाल में वो है, जब स्पेशली फिल्मों के लिए लिखते हैं ना, क्या होता है, एक वर्ड है फोनेटिक्स, स्वर ध्वनि जिसे कहते हैं, हर शब्द का एक ध्वनि होती है। अब जैसे मुझे धुन मिली, ये मुझे अंकित ने दिया, मुझको इरादे दे, इसका एक साउंड है, तू मेरी बाहों में, ये भी मीटर में, बट इसका साउंड अलग है, तुझसे है जिंदगी, तू जो मिल जाएगा, बट इसमें सबसे अच्छा क्या है, मुझको इरादे दे, तो हाँ, तो अब क्योंकि इस तरह से, तो वो फोनेटिक्स का, तो अब वो फोनेटिक जल्दी से मिल जाता है जी, जो मीनिंग के साथ भी मैच कर जाए, जो गाने का जो कंटेंट चाहिए, तो फिर फॉर्मेशन पास हो जाता है, भावना के साथ भी मैच कर जाए तो वो हो जाता है जी, जी। तो कभी कभी फोनेटिक्स में मैं अटकता हूँ कि यार मुझे लगता है इसकी जगह कुछ और लिखेंगे तो और अच्छा साउंड करेगा जी, जी। समझो कि नहीं, तो हाँ, समझ तो वो बहुत जैसे तो खा, तो उस लिए कभी कभी थोड़ा रीथिंकिंग के लिए समय ले लेता हूँ। फर्स्ट ड्राफ्ट तो तुरंत ही बन जाता है, जिसको हम लोग मुझे तो लगता है कि रीथिंकिंग करने के बाद और बेहतर फॉर्म में वो आता होगा सामने। हाँ, और कुछ में आता नहीं है, आता है बार बार तो लगता नहीं पहले वाला ही ठीक था, तो समझ में आ जाता है कि अब हम ओवरडू करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, ऐसा होने का बहुत रिस्क है यार, दो आंख सुंदर लग रही है, एक और लगा दो तो सडनली राक्षस बन जाएगा, दो आंख से तीन एकदम। हाँ तो आप समझ रहे कि नहीं, तो हाँ तो हाँ ओवरडू तो सबसे ज्यादा रिस्की है। आपको मैं बताऊं, जीवन में आप जरा सा नमक तेज हो, कम नमक हो आप खा लोगे, ज्यादा नमक हो जाए आप खा भी नहीं पाओगे, वही वाली बात है। बहुत अच्छी तो बात, ओवरडू हाँ, उबलने के बाद अगर तो नीचे गिर जाएगा, जल जाएगा, तुरंत पतीले का बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए क्रिएटिविटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, कहां पर कॉमा कहां फुल स्टॉप लगाना, ये आपको तमीज होनी चाहिए, इसकी समझ से ज्यादा तमीज की बात होती है इसमें, ये तमीज है, मतलब जिसको आ गई आ गई। तो वो बहुत डिपेंड करता कि कई बार हम बहाव में बह के ओवरडू करने लग जाते हैं, तो ओवरडू से बचना है, अंडरडू से भी बचना है, लेकिन अंडरडू एक बार तो फिर भी हजम किया जा सकता है, लेकिन ओवरडू बहुत रिस्की है। तो क्रिएटिव फील्ड करते वक्त ये बहुत ध्यान रखना होता है कि अब अगर आलाप गाने से ज्यादा होने लग जाए तो गाना कैसे एंजॉय करोगे आप, गायकी दिखाने लगे आलाप लेने लग जाते या ज्यादा मुर्की लगने लग जाए तो भाव चला जाएगा, समझ रहे कि नहीं। एक लिमिट तक ही अच्छा है। कई बार क्या होता है कि हम सेकेंड थर्ड थॉट देने के लिए उसको ट्राई करते हैं तो टाइम ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है, इसलिए इसका बहुत सटीक जवाब मेरे पास है नहीं, ये हर गाने का अलग अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से जर्नी है। हाँ, हाँ, अपनी एक जर्नी, हर गाने की अपनी एक जर्नी है, आप समझ रही ना क्या है। जी, मैं समझ रही हूँ। चार पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी आपके बारे में। आज आप सृजनी के सुवासित पटल पे पधारे हैं और सृजनी और ज्यादा सुवासित सुगंधित महसूस कर रही है अपने आप को। तो कहती हूँ, महक उठा है ये घर आंगन, महक उठा है सृजनी का घर आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से आप हमारे हैं। अच्छा, इसमें एक लाइन बोलता हूँ मैंने ये मेरे, हाँ अब याद दिला रही है आप लोग बहुत चीज, मैंने कहा दुनिया के हर जितने कलाकार सब मेरे रिश्तेदार है, मैं ये लाइन बोलता हूँ, जितने आर्टिस्ट है सब मेरे रिश्तेदार है, ये सबके साथ मेरा नाड़ी मिली हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे हमारी कुंडलियों में कहते हैं जब शादी वादी के लिए मिला था कि भाई सब दोष अगर होंगे मिल जाएगा, नाड़ी दोष नहीं होना, फ्रीक्वेंसी का अगर मैच नहीं हुआ तो हाथों नहीं बनेगी इनकी, कितने लक्षण मिला लो। मैं कहता हूँ दुनिया के जितने आर्टिस्ट है ये सब मेरे जो है भाई बंद है, सब मेरे रिश्तेदार है, तो ये मैं बोलता हूँ, तो वही आपने कहा कि आप हमारे हैं, उसका मैंने ये बोला कि मैं ये मानता भी हूँ और ये कहता भी हूँ। बहुत प्राची, आप कुछ पूछना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे बिफोर वी मेरा एक सवाल था दी, पर समय की बाध्यता देख ले संदीप सर का, अभी आपके पास 10 मिनट और आप रुक सकते हो, तो एक सवाल है मेरे पास। संदीप जी एक चीज देखिए, बॉलीवुड में एक जैसे एक होड़ का एक कल्चर है कहीं ना कहीं, आइटम सॉन्ग आया तो सबके आइटम सॉन्ग आ रहे हैं, रीमिक्स आ रहा तो सबके रीमिक्स आ रहे हैं, और क्योंकि टैलेंट बेस्ड है, रिलेशनशिप बेस्ड है, भाई कई बार होता है कि आपको किसी संगीतकार के साथ काम करना अच्छा लग रहा है, आपने काम किया है, तो कई ऐसे डायनामिक्स होते हैं। इस पूरी होड़ में, भागदौड़ में खुद को, अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए आप चल रहे थे, सालों से हम आपके गीतों को सुन रहे हैं,
आपके गीत ऐसे हैं जो कि मन को छूते हैं और जो ऐसे हैं कि आप परिवार के साथ सुन सकते हैं, तो ये इस आइडेंटिटी को कैसे आपने संभाल के रखा, या कौन सी वो लिमिटेशन है जिनको आप मतलब उनको अवॉइड कैसे करके चले जाते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति आपके पास भी आती होगी। जी, कि चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। तो क्या है, मैंने सबसे पहले क्या जीवन में दो तीन चीजें मेरे फिक्स हैं। मैं अर्चना जी से एक आध बार बात भी की है, दोहरा देता हूँ, मंच है ये, चूंकि मैं जीवन में कभी किसी को इम्प्रेस और अट्रैक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। दूसरी बात है आत्म प्रशंसा और आत्ममुग्धता जो है बहुत बड़ा सिरदर्द है, उससे भी मैं बचने की कोशिश करता हूँ। जो मिल गया उसमें, ओ सिकंदर में एक लाइन है कि जो मिला वो भी मुकद्दर, जो ना मिला वो भी मुकद्दर, ओ सिकंदर झाकले झाकले दिल के अंदर। तो क्या है, कितना चाहिए, जोड़ जोड़ के हार गया हूँ, कितना खोया कितना पाया, कहा ना उन्होंने थोड़ी देर पहले। तो इसलिए मैंने इस चक्कर में पड़ा नहीं जो आपने होड़ कहा। सबसे पहले मैं अपने आपको होड़ से बचाया। मैं कुछ चीजें मानता हूँ कि ठीक है, मुझे भी कहा कई लोगों ने यार तुम थोड़ा सा अगर चाहो तो तुम बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। मैंने कहा देखिए, काम ज्यादा और कम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना अच्छा काम। बाकी तो पैसा एक ऐसी चीज है, जितना भी जोड़ लो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या कोई छीन लेगा आपसे, मतलब छीन जाएगा आपसे, आपके पास आप लेके नहीं जा सकते हो। तो इतनी होड़ में भी मत पड़ो पैसे की, और जितनी जरूरत है उतना तो अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं और थोड़ा सा टैलेंट है, जितने भी गुण अवगुण है मेरे अंदर जो आप कहना चाह रही थी, उतने से अपना काम तो चल ही जाता है, उसमें ये दिक्कत नहीं आती। तो और तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल में जैसे लोग होते थे जो पुराने स्टाइल में, क्योंकि लता जी, आदरणीय लता जी ने जब मेरा गाना गाया, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, उस समय उनसे मेरी बहुत बात होती थी, क्योंकि उस गाना गाने में उन्होंने 5-6 महीने का समय लिया पहले गाने को सिलेक्ट करने का। वो बोली कि मैं गाना बहुत कम गाती हूँ, मुझे गाने के अगर बोल अच्छे नहीं लगते तो मैं नहीं गाती, क्योंकि म्यूजिक तो बहुत अच्छा बन रहा है बट लिरिक्स अच्छे नहीं होते, स्टैंडर्ड के नहीं होते, तो मैं नहीं गाऊंगी। तो हम लोग, मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव आ गया, प्रेशर आ गया। मधुर जी बोले, तब उनके साथ पहली फिल्म हम कर रहे थे Page 3, सन 2004 की बात है। तो तब मैं नया नया था इंडस्ट्री में, एकदम नया इनिशियल स्टार्ट हुआ था मेरा, 2-3 फिल्में ही हुई थी मेरी, ये मेरे करियर की शायद 6वीं रिलीज फिल्म थी, 5वीं या 6वीं। उन्होंने कहा यार संदीप, यार मेरी जान ऐसा कुछ लिख दे यार कि दीदी हाँ कर दे यार, मतलब अब सारा प्रेशर मेरे ऊपर, अगर दीदी ने ना किया तो तू यार ठीक लिख के नहीं दिया। और मेरे बाकी गाने 2-3 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, वो कुआं मां डूब जाऊंगी वगैरह एक दो आइटम सॉन्ग थे वो रिकॉर्ड हो चुके थे। खैर, मैंने फिल्म की कहानी के हिसाब से और इस तरीके से सरल भाषा में जो मुझे लगा कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, तो ये गाना उनको, दीदी को पसंद आ गया। तो दीदी की तब तबीयत ठीक नहीं थी, हमको तब उनकी 75 साल उम्र क्रॉस हो चुकी थी ऑलरेडी लता जी की, अभी तो 90 के आसपास उनकी एज हो गई है। तो दीदी ने कहा, लता दीदी ने कहा कि मैं ये गाना गाऊंगी लेकिन थोड़ा समय लूंगी, आप घबराइएगा नहीं। तो उन्होंने उसमें 2-3 बार वो स्टूडियो में आई, बैठी हम लोग के साथ, कुछ नाश्ता भी एक बार तो लेके आई थी हमारे लिए, फिर एक दो बार हम उनके घर पे भी गए, बहुत देर तक बातचीत हुई लेकिन गाना नहीं हो रहा था। तो उस दौरान बहुत हम बैठ के बात करते थे एक कमरे के अंदर, मैं, शमी टंडन जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लता जी, करीब 1-1.5 घंटा हमारे लिए वो भी प्रसाद जैसा था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, उनके साथ हमें बात करने का मौका मिल रहा है, मतलब मैं तो हर बात को एकदम जैसे प्रसाद ग्रहण किया जाता वैसे सुनता रहता था। तो वो इतनी मतलब बुद्धिमती महिला है, इतना तजुर्बा है उनको, इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया है, 30,000 गाने गाए हैं, 60 साल 70 साल, उस वक्त ऑलरेडी भारत रत्न थी, जीवित भारत रत्न, उनको तब भारत रत्न मिल चुका था। तो दीदी ने मुझसे बात, तो वो मेरा कभी कभी नाम भूल जाती तो मुझे कवि जी कह देती थी प्यार से, पुराने लोगों का ये बड़ा हाथ कवि, तो कहती थी कवि जी एक बात कहूं, जितना मैंने आपको समझा है कि आप 20 साल लेट आए इंडस्ट्री में, 20 साल पहले आते ना तो आपको बहुत मजा आता, क्योंकि आप, समय बदल चुका है और अब कविता और ये सब चीज उसकी उतनी वो नहीं रही, थोड़ा हर चीज थोड़ा थोड़ा जो मार्केटिंग जैसा हो गया ज्यादा, लेकिन ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कि इसी में चैलेंज है कि आप इसमें कैसे अच्छा काम करें। देखिए, बड़ी पर्सनल शख्सियत की क्वालिटी देखिए कि दोनों बातों बता गई, आधी बात बता दी तो मैं लगता है यार अरे मैं लेट आया, लेकिन उनका नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है कि इस हालात में आप कैसे अच्छा काम करेंगे, ये चैलेंज भी आपके साथ में और कर सकते हो आप। तो मैंने जो उनकी बात का दूसरा वाला अंश था उसको पकड़ा कि भाई इस हालात में कैसे अच्छा काम किया जाए। अच्छा, जब जैसे आप इंसान हो तो वैसे इंडस्ट्री में आपकी एक इमेज भी बन जाती है, आपको वैसी चीजों के लिए बुलाया जाता है। लोगों को समझ में आ गया कि संदीप से जबरदस्ती कुछ वैसा हम लिखवा नहीं पाएंगे, ये लिखेगा नहीं। अच्छा, बहस की जिद की हालत नहीं, वो खुद ही समझ लेते कि यार इसके साथ इस तरह का जो कुछ हल्का फुल्का काम है तो किसी और से करा, संदीप को बुलाओ तो यार ठोस काम के लिए बुलाओ। When we wind some वजनदार lyrics there at the time we call you, इस तरह से वो लोग खुद ही बात करते हैं, है ना। तो मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो जो स्वतः आता गया मैं वो करता गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे अच्छे काम करने के मौके दिए लोगों ने, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर का,
और सुनने वालों का भी, और जितना काम हुआ हो सकता है 10-20-25 फिल्में और ज्यादा होती, लेकिन अगर क्वालिटी वर्क नहीं होता तो खुद को बुरा लगता है। और आप देखिए, एक कढ़ाई दूध को फाड़ने के लिए एक नींबू की कर एक रस काफी होता है। तो अच्छे काम के बीच में कोई बुरा सा काम, दांत में कंकड़ लग जाए खाना खाते का, तो वही पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो फिर आपको लगता रहता है यार ये करियर में दो जाने क्यों मैंने ऐसे कर दिया, क्यों कहने में आ गया। तो कम से कम इस चीज से बचे हुए हैं कि अच्छा काम किया है। और अब तो YouTube वगैरह आ गया है, तो अब तो और आजादी हो गई है कि आप अपना क्रिएशन अपने तरीके से कर सकते हो, जिसमें आप भी पूरी तरीके से आपको कोई गवर्न करने वाला भी नहीं है। तो ठीक है, फिर तो अब तो ऐसा कर ही रहे हैं काम। नहीं, आपका जितना शानदार आपके गीतों का संग्रह है, उतना ही शानदार आपका व्यक्तित्व भी है। बहुत सीखने को मिला। और मैं अर्चना दी से बोलूं, आपकी बातें सुन के जो आपने बोला ना कि मतलब कोई ये नहीं कि सब वैलिडेट करे, मुझे सब बिलीफ नहीं है। दीदी की एक लाइन है, दीदी आपसे सुनना चाहूंगी, पहली लाइन में बोलती हूँ कंप्लीट आप करेंगे, कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं हाँ वो ठोकरों पे ताज रखते हैं, और जिन्हें कहीं परवाह नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और आज संदीप जी आप आए हैं आज हमारे पटल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमने आपसे न सिर्फ गीत सुने ना, बल्कि हमने ये सीखा कि जितना आकाश में हम उड़ते हैं उतनी हमारे पांव धरती पे होना जरूरी है। इट्स नाइस टू बी इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। तो आप हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यूं ही आप आकाश में दैदीप्यमान होकर चमकते रहें सितारे की तरह। सुजनी, आपका हृदय से बहुत बहुत आदर सत्कार अभिनंदन वंदन करता है, धन्यवाद आपका। लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, आपकी चिंगारियों के साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे। तो देखिए सृजन कृति क्रिएशन Tell 'em like it is. I can't see. Dil kaise lage ye jalwa, main kaise lage ye jalwa. Naza hi nasha ye jalwa, maza hi maza. Naza hi nasha. Throw it up, throw it up. Aag si rawaniya. तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा कि ये जलवा था हमारे संदीप जी का, जो कि छाया हुआ है बॉलीवुड पर। हम दुआ देते हैं सृजनी की, हम चारों की ओर से, पूरे पटल की ओर से, मंच की ओर से, कि आप यूं ही चहूं और हर वक्त हर दिन नए नए आयाम रचे। और हमें बहुत गर्व है कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके बारे में, आपके गीतों के बारे में जाने। इसी के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा प्रणाम आप सबको, ये आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। और इस बारे सब दोस्तों के साथ मैंने बहुत सारी दिल की बातें की, ये इट इज अ लवली इवनिंग फॉर मी, मुझे बड़ा आनंद आया और मैं बहुत सारी पुरानी बातें फिर से शेयर की आप लोगों के साथ। और मैं एक चीज और कहूंगा, ये कोविड काल थोड़ा खराब समय जा रहा है, टाइट समय जा रहा है भारत में, तो हम लोग निकल गए हैं अभी सेकंड वेव से बाहर, लेकिन इस समय पे हम सब एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट बने और अच्छा सोचें इस समय को किस तरह से क्रिएटिव रूप से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उन चीजों की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, मंच है आप लोगों का, जो लोगों को जोड़ता है और इस समय पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, संदेश मिलते हैं लोगों के लिए, तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा मौका रहा। बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद सृजनी की ओर।